देखो पूरा अखबार मार काट और हत्या की खबरों से भरा पड़ा है। क्या हो गया है हमारे शहर को? आजकल लोगों के हाथों में या तो खंजर होता है या पिस्तौल। एक बार भड़के तो उड़ा दिया। तुम तो शादी में जा रही हो मगर जेवर भी नहीं पहने। अगर जेवर पहने तो पता नहीं मैं शादी में पहुँचूंगी भी कि नहीं। इस रोड पे बाइक चलाना बहुत खतरनाक हो गया। कल ही दो बाइक वालों को लूटा और मार डाला। लोग अक्सर मंदिर में नहा धोकर आते हैं, ये दारू पीकर चले आते हैं। मंदिर के सामने दारू की दुकान है तो यही होगा ना। अब तो ऊपर वाला ही कोई रास्ता निकालेगा। एक बियर दे रहे। अरे कल रात की बियर उतरी नहीं, तुम और लेने आ गए। अरे तुम तो बियर से मुंह धो रहे हो। अरे कौन हो भाई तुम? शिवा, अरे क्या ये दुकान लगा के रखा है इधर? शार्प प्लेट इडली ला, चटनी सांबर माइनस। बात कर रहा है, बिना चटनी सांबर के हलक से कैसे उतरेगी? तू देखते जा। इडली का मर्डर कर दिया, पहले धार की बियर, रवा इडली, रसम इडली, सांबर इडली, फ्राइड इडली, मसाला इडली, इन इडलियों के बारे में सुना था। ये बियर इडली का कॉम्बिनेशन नया है। मेरे भाई किस ग्रह से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? शिवा। जय हो शिव शंभू की। बियर इडली लेके आ। ए, मैं बहुत बड़ा अतरंगी हूँ। मैं लस्सी के साथ चावल खाता हूँ और आमरस के साथ करेले का जूस। शिव शंभू को हिचकी आ रही है, पानी ला। पानी? अरे पानी कौन पीता है? अरे अपने इलाके में हीरोगिरी करता है। छोड़ा नहीं, निकाल निकाल बोतल। ए, आज के बाद दिखना नहीं। सुनो ओए, पंचुअलिटी में हम पुलिस की स्पीड देख रहे हो ना? लोग खाम खा कहते हैं हम देर से पहुंचते हैं, आज पहुंच गए ना सही वक्त पर। यू आर अंडर अरेस्ट। वारंट किधर है? गारंटी चाहिए इस क्रिमिनल को, वारंट के बिना ये परमानंद कभी नहीं आता। ये ले पढ़ ले, पढ़ सके तो। सर मेरे साथ थाने चलिए और इस पंक्चुअल परमानंद की इज्जत रख लीजिए। क्या कर रहे हो? अंडर अरेस्ट करना। देखा आसानी से मान गया ना। बोतलें फेंक रहा था क्यों? मुझे फौरन पता चल जाता है, चील की नजरें हैं मेरी और दिमाग कौवे का है। ये मत सोचना मैं डर जाऊंगा, अभी गेट खोलकर तेरी जमकर पिटाई कर सकता हूँ। खुले हुए गेट को क्या खोलेगा? अरे बंद कर बंद कर। अबे ताला क्यों नहीं लगाया? अरे रुको रुको रुको, देख नहीं रहे उसके पास बेल ऑर्डर है? अगर कोई बंदा बेल के साथ आए तो उसे लॉकअप में नहीं रख सकते। बेल मुझे देकर आप बाहर आ जाइए सर। हाथ से लिखे हुए को तू अरेस्ट वारंट बोलता है, 500 की नोट को बेल ऑर्डर बोलता है? अच्छी खिदमत कर रहा है कानून की। हाँ सर बेल। सर FIR लिखने के बाद हम उसे छोड़ नहीं सकते। उसे छोड़ो, इस आदमी को उसके जगह अंदर डालो ना। आदमी बदल सकते हैं मगर नाम कैसे बदले सर? इसका नाम क्या है? शिव शंभू। उसका नाम क्या है? शिवा। शिवा की बेल हो गई, अब शंभू को अंदर डालो। इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? सुबह अंदर गए थे और शाम को बाहर। ये सब नोट का कमा ले रहे। अच्छा असली माल कहाँ मिलेगा? मतलब ट्रक पाउडर गांजा, अंधी गली में अंधे को पूछता के गन्ने का कचरा कहाँ मिलेगा? गन्ने का कचरा गांजा, ये उसका कोड नेम है। अच्छा कोई आइटम आइटम कोई छोकरी उकरी मिलेगी? छोकरी मेरे का धंधा है, होलसेल धंधा, रेड लाइट गली में। सारे नेता लोग उनको लॉज में सप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, नकली दारू खुलेआम मार्केट में बनती है। वहाँ देखो, वहाँ पे अंडरवर्ल्ड डॉन के किराए के गुंडे हैं, हमारी एरिया में सुपारी लेने वाले भी हैं। हमारे यहाँ से कई स्टेट्स में गुंडे सप्लाई होते हैं। जनरल सिंह इन सारे धंधों का डॉन है। मगर आप ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हैं? तो खुद ही बिना पूछे तोते की तरह पटर पटर बोल रहा है। फ्री में शो देख लिया? छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो। सर ये चोरी करके भाग रहा था। अरे कमीने, इतनी भीड़ भाड़ में ब्रीफकेस चुराने की हिम्मत कैसे हुई? बोल। हाँ कांस्टेबल, जीप में डालो उसको। बोलो किसका ब्रीफकेस है ये? सर ये मेरा ब्रीफकेस है, इसमें 30 लाख रुपए हैं। सर मुझे तेरा ब्रीफकेस है, थाने में आकर पेपर साइन करके ले जाना। चलो जाओ यहाँ से, तमाशा हो रहा है क्या? चलो।
सर नमस्कार। पहले ये बता कौन है तू? आप लोग लूटपाट करेंगे तो हम लोग का तो धंधा चौपट हो जाएगा ना साहब। चल रास्ता छोड़। हेलो, जवाब दिए बिना तो आप जा नहीं सकते यहाँ से। ए चढ़ा दे जीप। तेरी तो जैसे लुच्चे मवाली की हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले पे हाथ उठाने की? बोल चुप। तो इसको पुलिस वाला बोल रहा है? डीडी राठौर, तू डीडी राठौर है कि दरिंदा राठौर है? 1200 रुपए की वर्दी पहना के पुलिस वाला बना दिया? ये ठुल्ला खुलेआम पब्लिक को लूट रहा है, चलो अरेस्ट करो इसको। तेरे जैसा गुंडा मुझे सिखाएगा किसको अरेस्ट करना है? बम बम भोले बेईमानों की पोल खोले, समाज के दुश्मनों का सर फोड़े। नाम है शिवा, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन। ये कफन चोर मुर्दों के कफन से भी पैसे कमाता है, जिंदा इंसान के गुर्दे भी बेच के खा जाए। अरेस्ट करो साले को। सल्यूट कर रहे हो या ठुमका लगा रहे हो? वंस मोर। यस सर। अब हमें सल्यूट करना भी ये सिखाएंगे। ये झंडा किसने लगाया? मैंने लगाया सर। ऊपर से 3 इंच क्यों छोड़ा? सर मुझे 30 फीट की ऊंचाई से 3 इंच का फर्क पता नहीं चला सर। फिर तो 30 फीट की दूरी से चोर नहीं दिखाई देगा, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। मर गए, लगता है मुझे ये डिसमिस करके ही छोड़ेगा। मार्च पास करना आता है? ये सब के सब ऐसे ही हैं, एक नंबर के काम चोर। लेकिन मैं इन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ सर। आप बस एक बार मुझे ऑर्डर देकर देखिए, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। आतंकवादियों के कैंप में अकेले घुसने को कहूंगा, घुसोगे? बकवास करते रहते हो बिना वजह। अरे अपनी जिप लगाओ। यस सर। अबाउट टर्न। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, जहाँ चाहो पार्टी मनाओ, जूते पहनो या मत पहनो, वर्दी पहनो या सिविल ड्रेस, क्या पहनो या गांधी टोपी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऑर्डर्स मानना जरूरी है, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट करेगा तो बिना वार्निंग के सीधा सस्पेंड या डिसमिस कर दूंगा। 100 मुजरिम भले छूट जाए उसका गम नहीं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाला क्रिमिनल पर भारी होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर कोई भाईगिरी कर दे उसे वहीं के वहीं तोड़ो। जनता के लिए दोस्त और गुंडों के लिए उनसे भी बड़े गुंडे बनो। तिरंगे के सामने झुके वही सच्चा पुलिस वाला कहलाता है।
5 किलोमीटर का एरिया होता है और इतने सारे पुलिस वाले होते हैं, फिर भी इतने सारे चोर। इंस्पेक्टर परमानंद सर, बसेस, लॉरीज जो शहर में चलती है, वाइन शॉप, ज्वेलर शॉप, किराने की दुकानें, लॉज, कॉलेज, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और सरकारी अफसर, वकील, डॉक्टर्स, मुझे इन सबकी लिस्ट चाहिए 24 घंटे के अंदर। डॉक्टर्स की लिस्ट क्यों चाहिए? मैं फर्जी डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। गैर कानूनी गाड़ियों को शहर में आने की कोई जरूरत नहीं है और वाहन सही जगह पार्क होने चाहिए। पब्लिक प्लेस पे अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसे पकड़ के वहीं के वहीं उससे जुर्माना वसूल करो। सबसे जरूरी बात, औरत पर जुल्म करने वाले का मुंह काला करो, गधे पे बैठो और शहर में घुमाओ। लेकिन सर ये तो नया कानून हो गया। मैं कौन हूँ? नए DCP। तो कानून कैसा होगा? नया। मैं पुलिस वाला नहीं, गुंडा हूँ। आराम से लूट कर भाई, कहीं चोट ना लगे। हाँ, राई, काली मिर्च, जीरा, मेथी दाना की सप्लाई में 50 और 100 ग्राम के पैकेट में करूंगा। शक्कर पैकेट 1 किलो के होंगे, कल माल उठा लेना। ये रहे पिछले हफ्ते के पैसे और आज का बिल। हमेशा जिसको देते हो उसी को दो भाई, मेरी पोती को। भावना, भावना जरा इधर आना बेटा। दादाजी आपने बुलाया? हाँ बेटा, इनसे पैसे लेकर संभाल कर रख दो। अरे ये शक्कर की बोरी थोड़ी बीमार नहीं लग रही? इसका वजन कितना है? 100 किलो। दादाजी आपने इसे चेक किया क्या? नहीं, लेकिन तोलना पड़ेगा। चलो तोल कर दिखाओ। ए, इसको कांटे पे रख। देखो 94 किलो। 6 किलो कहाँ गया भैया? क्या रे, इसी बोरी में कम है या सब बोरियां ऐसी ही हैं? अगर तुम्हारे मालिक को पता चला तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। जानते हो हमको हर पैकेट पे 5% कमीशन मिलता है। इतनी सी कमाई के लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं और तुम नुकसान करने पर तुले हो। अब की बार माफ कर दो। आगे से ध्यान रखना। चलता हूँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा सिर्फ नाम के वास्ते ही लेबर ऑफिसर है बस। अगर ये दुकानदारों से थोड़ी बहुत रिश्वत ले ले तो कुछ पैसा आसानी से बना सकता है, पर ये तो ईमानदारी सच्चाई का पुतला बना फिरता है। भुगत तो हम रहे हैं, हम तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। दादाजी बाबूजी को ऐसा मत बोलिए, हमारे घर पर सिर्फ मेहनत की कमाई ही आएगी बस, रिश्वत लेना पाप होता है। माँ मैंने बस पास के लिए 100 रुपए लिए। हाँ। दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है दीदी, बाय। बाय मीनाक्षी। हाँ माँ। आज घर में इतनी शांति है, तुम्हारे पति देव कहाँ गए? क्यों रे, क्या फिर दामाजी पे पंडितगिरी का भूत सवार हो गया? कोई हवन पूजा करवाने गए हैं, पता नहीं वहाँ कौन सा घोटाला हो रहा होगा। ए, रुको रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पूजा करवाने जा रहा हूँ, लौटते वक्त दक्षिणा दे दूंगा। वो सब बकवास बाद में करना, साइड में लो, डॉक्यूमेंट दिखाओ। डॉक्यूमेंट मतलब? हाँ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मेरा तुम्हारा या फटफटी का? फटफटी का। फटफटी का, ऐसा बोलो ना। आरसी बुक ये लो। रोड टैक्स तो भरता हूँ पर रोड कहाँ है? और ये क्या, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी क्यों चलाते हो? ये देखो। ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है? पुलिस वाले बिना नोटिस दिए रूल्स बदलते हैं, इसीलिए हमने रखे हैं ये व्हाइट, ब्लैक और येलो नंबर प्लेट। अब तुम ही बताओ कौन सी वाली नंबर प्लेट चाहिए, मैं उसे अपनी फटफटी के आगे पीछे लगा दूंगा। वो सब ठीक है, चलो लाइसेंस निकालो। लाइसेंस ये ले, देख ले। ये क्या है, फोटो से तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती। याद आ गया मुझको गुजरा जमाना, ये फोटो तब की है जब मैं एकदम कौला था, जब मैं पैंट नहीं चड्डी पहनता था, वो भी होल वाली। वो वाली फोटो दिखाओ क्या? 8 बनाना आता है? अरे ओ भाई हवा में नहीं, फटफटी से फटफटी। बिना 8 का आंकड़ा बना RTO ने मेरे को लाइसेंस दिया क्या? अच्छा 7 बना के दिखाओ। 7 का आंकड़ा? लगता है इसको चाय पानी के साथ खारी बिस्किट भी देना पड़ेगा। ओके सर, 7 क्या, 7.5 बनाऊंगा, पीछे बैठ जाओ। अच्छा वो कैसे बनाओ? अरे बैठो तो सारे आंकड़े बना दूंगा। बैठो बैठो, आंकड़ा करता हूँ तेरे को वाकड़ा। चल धूम चले वो आंकड़े। ये तेरे लिए जीरो, रानी कितना कितना पानी निकल गया ना पानी पैंट में से। आंकड़ा बोलता है ये ले, ये ले, पंजाबी कर दो तेरे को। ये छक्का क्या हुआ, ये छक्का क्या हुआ, ये छक्का
अबे ये क्या है? तेरे नंबर प्लेट के चक्कर में मेरा तो हुलिया ही बदल के रख दिया है। बेटा तेरा समय बुरा चल रहा है। मेरा एक हाथ किधर गया? वो तो ब्रिज पर ही गिर गया था, तूने उठाया नहीं क्या? अरे तुम कौन से ग्रह के प्राणी हो मेरे भाई? रुक मैं लेके आता हूँ। अरे जनरल सिंह को तो मैंने आज से पहले मंदिर में कभी नहीं देखा। ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम मुझे? किसी ज्योतिषी ने बताया था कि हर शुक्रवार को मंदिर जाओ वरना मर जाओगे, इसलिए यहाँ आता हूँ मैं, समझ गए? ये शिव शंभु है ना, इसे तो एक दिन सिंगापुर पार्सल करके रहूंगा मैं। शंभु महाराज शिप तैयार है। बस आप बस ऑर्डर कीजिए, बोले तो अभी कभी पार्सल करवा दूँ। आज करोड़पति है, पहले रोडपति था। इस मंदिर का प्रसाद हमेशा अच्छा बनता है, तभी तो खा खा के हो गया हूँ मैं। बनता प्रसाद भगवान के लिए और खाते हम सब हैं, है कि नहीं? एकदम सही पहचाना तूने, 10 साल तक किसी मंदिर में भीख मांगी है। दे दे माँ, दे दे बाबा। भीखू सिंह नाम था मेरा तब, और अब मैं हूँ जनरल सिंह, समझा? जनरल सिंह याद रखना। नमस्ते बॉस। उस पंडित को देखो, भगवान को छोड़ के गुंडे को हार पहना रहा है। मुझे माला क्यों पहनाई? तुम भी दल बदलू हो गए क्या? नहीं नहीं बॉस, वो क्या है कि इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो इन्हें आपकी मदद चाहिए। तुम दोनों को तो मैंने ही एमएलए बनाया था, अब क्या है, इसे भी बना देंगे? अरे हाँ, तुम्हारे वार्ड में एक ही ब्रिज है ना, वहाँ से एक ही बस जाती है, भाई दूसरा ब्रिज बनवाओ तो हमारा भी ख्याल रखना। चलो भाई चलो, इलेक्शन जीत जाओगे। और सुंदर तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? चल रहा है बॉस। जब ये मंदिर में भीख मांगता था तब चोरिया किया करता था, आज इसके ठाट देखो। मैं भिखारियों को भीख नहीं देता, इन्हें 10 लाख भी दे दूं ना तो ये आदत से मजबूर हैं। सोने का कटोरा बनाएंगे, सिंगापुर जाकर कहेंगे दे दे माई, भीख ही मांगेंगे। बॉस कामना नगर का एमपी तीर्थ यात्रा पर गया है। एक बंदा अब तक बिल में छुपा बैठा था, पार्लियामेंट भी नहीं गया, आज इतनी हिम्मत कहां से आ गई, बाहर निकल आया। चलो काम खत्म कर। बॉस हालात बहुत खराब है। hey, हम क्या सुपारी लेकर खून करते हैं? अगर मिशन फेल तो पैसे वापस, पॉलिटिशियंस हैं हम, ऐसे मर्डर होते रहते हैं। बेचारा एमपी तीर्थ यात्रा से पहले मर जाएगा। सर हा? आपकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? रहने के लिए इतने घर देख रहे हैं हाँ। तो शादी के लिए कितनी लड़कियां देखेंगे? मनपसंद घर नहीं मिला तो पुलिस क्वार्टर तो है ही। सर हाँ। उस दुकानदार ने यही घर कहा था। देखते हैं। क्या चाहिए आपको? हम यहाँ घर देखने आए हैं। आप कौन हैं? मैं इंस्पेक्टर हूँ और सर डीसीपी है। आप यही रुकिए। ये दादी, दादी क्या याद है पिछले हफ्ते पास के मोहल्ले में 2 लोगों ने पुलिस वाले बनके चोरी की थी? हाँ वही लोग आए। क्या कह रही है, दरवाजा तो बंद है। दादी हमें कुछ भी करके उन चोरों को पकड़वाना चाहिए। अरे मैं दादी हूँ, चाची 420 कुछ नहीं होगा। मामी आप मिर्ची पाउडर लेकर तैयार रहना, जैसे अच्छा। मैं इशारा करूँ आप लोग जल्दी से आ जाना। बेटा नाइट ड्यूटी करके हम लोग लेट आएंगे और इन लोग ने लॉक लगा दिया तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लॉक तोड़ देंगे, उसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए आइए तशरीफ लाइए। ये देखिए ये हॉल है, कितना बड़ा है ना। आप यहाँ पर सोफा रखे हैं, उस पर बैठे चाहे तो सो भी जाए, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या स्क्रू ढीला लग रहा है? स्क्रू ना हा? हाँ ढीला तो है पर मैं टाइट करवा दूंगी। दादी माँ है ओल्ड लेकिन लगती है बोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, सुना होगा ना। बात फर्स्ट फ्लोर की हुई थी, आप ग्राउंड फ्लोर दिखा रही हैं। ना 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 ना, असल में ऊपर नीचे एक जैसा ही है ना, इसलिए सोचा कि यही दिखा दे, बात तो बराबर ही है ना। ये घर के बीच में आंगन, उधर है स्टोर रूम, अपना राशन रखना वहाँ, ये पूजा घर पूजा करने के लिए, और वो रहा किचन, आप वहाँ पका सकते हैं, खा सकते हैं, नाच सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हम सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, जाओ अंदर देख लो। नहीं बस बस, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे 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 दरवाजा खोलो, चोर बोल रहे, जाओ ना समझाओ ना उसको। हमेशा तुम अरेस्ट करते हो ना, आज 2 औरतों ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया। रुको रुको, पुलिस को खबर कर दी ना। हाँ हाँ कर दी है। दादी माँ यही पुलिस है, हर चोर यही कहता है। दादी माँ हमारी बात मानिए हम। अरे मिर्ची डालो। अरे क्या हुआ? अच्छा हुआ।
आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। ये क्या सर, आप हंस रहे हैं? अरे आइए पुलिस साहब। क्या बात है मैडम? दरवाजा संभाल के खोलना, अंदर तो हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं। बंदूक में गोली तो है ना, जैसे ही सामने आए उनकी पिटाई करना। छोड़ना मत इनको, दोबारा किसी के घर में चोरी ना करें। सर आप, ये सब क्या है, आप इनको चोर कह रही हैं? ये हमारे नए डीसीपी हैं। चोर पुलिस वाला है? हमसे मिस्टेक से मिस्टेक हो गई बड़ी वाली, हमें माफ कर दीजिए। पिछले हफ्ते उस गली में ऐसा ही हादसा हुआ था, इसलिए हम घबरा गए थे। मेरी पोती को गलत फहमी हो गई। सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। साहब जी चलिए, दरवाजा बाहर दिखता नहीं है। देखूंगा कैसे, आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया है। नमस्ते सर। अभी छोड़ दिया तो आगे बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, देख लेना। नया डीसीपी आपसे मिलने आया है। वेलकम डिप्टी कमिश्नर, नाम शस्त्र शिवा, गांव मलकापुर। अभी तक 7 जगह ट्रांसफर हुए, ये 8वीं पोस्टिंग है। किसी भी जगह तुम ज्यादा दिन नहीं टिकते, बहुत ईमानदार आदमी हो। मेरे आदमियों ने बताया तुम्हारे यहाँ आने से यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तुम क्या देख रहे हो भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठे बैठे पता चल जाता है मुझे कि इंडिया में कहाँ क्या हो रहा है, मगर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ, तुम्हारा असली नाम भीको सिंह, उम्र 63 साल, गांव का नाम खलासीगंज। इस शहर में 123 दारू की दुकानें हैं, जिनमें से 116 तुम्हारी और जिनमें से 36 गैर कानूनी है। खलासी नदी से रेत ढोने वाली 80 लॉरियों में से 75 तुम्हारी, जिनमें से 30 गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही। 18 प्राइवेट बसें दूसरे शहर में जाती है, वो भी बिना परमिट के। 4 लॉज बेनामी है जिसे तुम चला रहे हो, जहां गैर कानूनी धंधे होते हैं। तुम्हारी 3 शिप्स हैं और 2 पटाखों की फैक्ट्रियां हैं जो शिवाकासी में। इन सब के अलावा, चाहे जो पार्टी पावर में आए, 8 जिलों में तुम जीतने और हारने वाले एमएलए एमपी को चुनते हो। तुम हो जनरल सिंह, किंग मेकर। इसके बावजूद तुम्हारी ना तो कोई खबर पेपर में छपती है और ना ही कोई फोटो। इतना सब जानते हो तो मुझे चैन से रहने नहीं दोगे तुम? लेकिन अगर एक्शन लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम पैसे खाते नहीं हो। रिश्वत तुम लेते नहीं हो, तो अब बताओ कहाँ ट्रांसफर करवाऊं तुम्हारे? इस गधे ने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। अरे किसने किसने कहा था ये सब? अरे क्या खड़े क्या हो, कुर्सी दो साहब को, चाय पानी लेकर आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? मेरी ड्यूटी अच्छे से निभाने में तुम मेरे काम आ सकते हो। वो कैसे भला? तुम्हारी गाड़ियाँ स्पीड लिमिट तोड़ के तेजी से भागती और दनादन एक्सीडेंट होते हैं, उन सबको कानून के दायरे में रह के गाड़ी चलानी होगी। दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग बिंदास पीते हैं। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, भाड़ में जाए साले, मगर टल्लियों के सड़क पर हंगामा करेंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे गैर कानूनी धंधे से कोई मतलब नहीं, पर तुम्हें उन गुंडे मवालियों को रोकना होगा जो तुम्हारा नाम लेकर बदमाशी करते हैं। अगर तुम नहीं रोकोगे तो मैं रोकूंगा। तुम्हारी बिना लाइसेंस की दारू की दुकानें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी दारू की दुकानें मंदिर और स्कूलों के पास है, उनसे पब्लिक को परेशानी होती है, यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें कहीं और ले जाओ। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो मैं तुमसे रिश्वत ले लूंगा। मेरे ख्याल से बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, एकदम करेक्ट है। ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अरे दो भाई साहब को, दो लीजिए। चलता हूं। ए भाई, तुम मलकापुर के हो ना, लेकिन तुमने जात क्या बताई थी? वो तो मैंने बताया ही नहीं। ओ, ओ। बॉस क्या किया आपने, उसको मस्का लगाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे मुझे लगता है वो अपनी ही जात वाला है। क्या कहना चाहते आप? अरे उसका टशन नहीं देखा तुमने? तो उसकी हर बात मानना जरूरी था क्या? उसने हम पे हुकुम नहीं चलाया, प्यार से बात की। इससे पहले जितने भी आते थे खाते पीते थे, डकार भी नहीं लेते थे और फुर्र हो जाते थे। ये बंदा उन सबसे अलग ही है। ये तो हम भी जानते हैं कि वो दारू की दुकानें हमारे नाक में दम कर रही हैं। उनको वहाँ से हटा के देखते हैं। हेयर स्पा में स्टीम लेके मजा ही अलग आता है। ये नौटंकी करने से अच्छा है जाके अपने बाल कटवा दो। तू जलना बंद कर, मेरे बाल तुझसे अच्छे इसलिए जलती है ना। तुझे पता है क्या, सड़क पिक्चर में संजू बाबा के बाल, धूम पिक्चर में जॉन बाबा के बाल, इन सभी लोगों ने मेरा स्टाइल कॉपी किया था। तुम स्टाइल ही मारते रहोगे या जाके घर के लिए कुछ पैसे कमा के लाओगे? अब क्या करूं मैं, पिछले हफ्ते जिस दूल्हे की शादी करवाने गया था, जैसे मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी तो होश उड़ गए और चोटी भी खड़ी हो गई। तभी मुझे याद आया कि इस लड़के की शादी तो मैंने पिछले हफ्ते करवाई थी।
मुझे गुस्सा आया और मैंने लोटा उठा के दे मारा उसके सिर पर। मैंने कहा मैं एक बीवी को झेल नहीं पा रहा हूँ और तू दो दो शादी कर रहा है। उसने एक उल्टे हाथ की मुझे खींच के दी और कहा कि वो तो मेरा जुड़वा भाई था। अब इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा तुमसे गलती नहीं होती, तुमसे शादी करके की। ठीक है ठीक है, जाओ कुछ काम करके पैसे कमा के लाओ, खाली हाथ मत चले आना। ठीक है जाता हूँ, पहले बालों पर काला टीका तो लगाओ। तो काला ही है ना। तुमने आजकल गुंडे बदमाश बाहर लटकते नहीं है बस के? हाँ हाँ, जब से हमारी नई डीसी पे आए हैं ना तब से सब अच्छा ही हो रहा है। अरे मेरी चेन, मेरी चेन कहाँ गई? बस पुलिस स्टेशन ले चलो। सबको चेक करो, किसी को जाने मत देना। हाँ मिर्ची राक्ष, आइए आइए सब लाइन में खड़े हो जाइए। शरीफ लोगों को लाइन में क्यों खड़े रहना, क्या हम चोर दिखते हैं? क्यों, तुमने शरीफों पे मिर्ची पाउडर नहीं फेंका था? अरे सुनो वहाँ क्या हो रहा? चेन स्नैचिंग केस सर। पता नहीं कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा। वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? हाथ निकालो, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है, पहले हमारी चेकिंग कर लीजिए। ए परम, पहले इनको चेक करो। लेडी पुलिस आकर इन्हें चेक करेगी, मैं नहीं कर सकता। पर हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। ठीक है जाने दो इनको। सर अपनी ड्यूटी के बीच मैं किसी को आने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पुलिस वाला नहीं चोर हूँ ना। क्या है, तुम लोग जा सकती हो। पर बस चेकिंग पूरी होने के बाद जाएगी। तो हम कॉलेज कैसे जाएंगे? ऑटो से चली जाओ। पैसे क्यों भाई, कॉलेज जाती है पर्स में 100-200 रुपए नहीं रखती। इतने पैसे क्यों चाहिए, हमारे पास बस पास है ना। अगर पास गुम हो जाए तो आने जाने के लिए 30 रुपए लगेंगे और लंच के लिए दही चावल चाय रखा है, तो कॉलेज में हम इतने सारे पैसे लेकर क्यों जाएं? ठीक है मैं पैसे देता हूँ। अरे सुनो ऑटो बुलाना। हम अनजान लोगों से पैसे नहीं लेते। कर समझ के पैसे ले लो, बाद में दे देना। लगता है कुछ गड़बड़ है। सर रोज रात देरी से घर पहुंचता हूँ, खाना भी नहीं मिलता, बीवी गुस्सा करती है, कम से कम आज तो जल्दी छोड़ दो। थोड़ी देर और रुकते हैं फिर चलते हैं। ना ये खुद शादी करेगा ना मुझे शादी के मजे लेने देगा। क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं कह रहा था शादी ना करने वाले लोग कितने सुखी होते हैं। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आ रही हो? सर पिक्चर देखने गए थे। पिक्चर देखने बिना हस्बैंड के? कौन सी पिक्चर देगी? दिल तो पागल है। रहती कहाँ? यही पास में। पास में, लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा है, ये टॉर्च लो और जाओ। नहीं हम चले जाएंगे। ले जाओ कोई बात नहीं, कल अपने पति के हाथों पुलिस स्टेशन भिजवा देना। ठीक है साहब, आपकी मूछें बहुत अच्छी हैं। आपका टॉर्च सर, आपने मेरी वाइफ की हेल्प की, थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा आया वाइफ वाला। क्या रे कैसा मर्द है तू, बीवी को अकेली लास्ट शो में फिल्म देखने भेजता है? उसके साथ जाना चाहिए ना, एक तो अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करता है और उसका ठीक से ख्याल भी नहीं रखता। हाँ जब कोई बदमाश उठाकर लेके जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा तो यहाँ आएगा कंप्लेंट करने। क्यों, शहर में औरतों की इतनी सारी आबादी है, उन सबके बॉडीगार्ड बन के घूमते रहे हम लोग? परम सुनो सर, उन सारे पतियों को जेल में डालो जो अपनी पत्नियों को नाइट शो देखने अकेले भेजते हैं। यस सर, एक बार इसकी शादी हो जाए फिर पता चलेगा। क्या बोला? कुछ नहीं सर, टॉर्च चेक कर रहा था। बच्चे मन के सच्चे सारी दुनिया के, बेटा कान में मुत्ता नहीं। ये सब क्या है जी, किसके बच्चे हैं ये? दिखता नहीं क्या, ये बेचारे बच्चे बहुत थके और भूखे हैं, इनको खाना दे दो। अरे बाप रे, पाप लगेगा पाप। पाप क्यों लगेगा? दादाजी ऐसे क्यों चिल्ला रहे, पिछले जन्म में कौवे थे क्या? ये क्या कह रहे हो, वो कौओं को बुला रहे। ओ कौओं को खाना खिलाओगे पर इन बेचारे बच्चों का नहीं। कौवे हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज। पूर्वज? ये काले कौवे हमारे पूर्वज हैं? झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, भूल गए? झूठ बोले कौवा काटे। परंपरा का मजाक उड़ा रहे हो, कुछ तो शर्म करो। माफ करना दादाजी, पर ये कौवे अपने खाने का जुगाड़ खुद कर लेंगे, कहीं भी चोंच मार सकते हैं। इनका ध्यान रखने के लिए इन्हें बनाने वाला वो नीली छतरी वाला है ना, पर इन मासूम बच्चों की तरफ तो देखो, इनका ध्यान कौन रखेगा? इनके लिए ऊपर वाले ने हमें ड्यूटी ऑफिसर बनाया है, तो हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ना। दादाजी आप इन कौओं को खाना खिलाकर खुद के सफेद कपड़े पीले करवा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? पहले ये कौवा यहाँ पर दूध में बनी खीर खाएगा, उसके बाद वो कहीं जाकर सड़क पर मरा हुआ चूहा खा लेगा, और फिर उसके पेट में खीर को देखकर मरा हुआ चूहा कूदने लगेगा, है कि नहीं? फिर उसे एसिडिटी और गैस की तकलीफ होने लगेगी, फिर वो यहाँ वापस आकर आप पर अपना पेट हल्का कर देगा। आपकी इज्जत तो गई पानी में, खिलाओ कौओं को। क्या रे जेब में 100 रुपए भी नहीं रखता? चल 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 चल। सर उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसीलिए 50 रुपए मांग रहा था, लेकिन उसके पास वो भी नहीं थे। वाह मान गया तुम्हें, 50 रुपए में अपना जमीर बेचते हो, तुम्हें तो उससे 500 रुपए लेने चाहिए थे। अगर 500 रुपए मांगते तो वो छक मार के लाइसेंस बनवा के लाता। क्या कह गए सर, रिश्वत लेनी है या नहीं लेनी, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। आजकल तो बड़ी खोई खोई सी लगती है,
सर वहाँ पर नाकाबंदी कर दी। जीसीबी वहाँ खड़े हैं, मैं उन्हें ऑटो का पैसा देकर आती हूँ। अरे लेकिन बस चली जाएगी, मैं उससे पहले आ जाऊंगी ना। कब खत्म होगा ये सब? इसका फैसला अब अगले महीने की 10 तारीख को होगा। तुमने तो कहा था एक दिन का काम है। सर आज ही काम हो जाएगा। ओ हेलो, ये क्या? उस दिन आपने ऑटो का किराया दिया था ना, ये लीजिए उसके पैसे, 60 रुपए। रुको रुको, 120 रुपए की जगह 60 रुपए क्यों दे रही हो? 120 रुपए? मीटर में तो सिर्फ 60 रुपए दिखाए थे। लेकिन उसने रिटर्न भाड़ा लिया ना, मुझे उसको वो भी तो देना पड़ा। मर गई। ये 60 रुपए वापस देने के लिए पूरी रात जाग कर मिर्ची के पैकेट बनाए हैं, और पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे बाप रे, मेरी बस निकल गई, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? ऑटो पकड़ लो। ऑटो का किराया? कुछ रातें और जाके मिर्ची के पैकेट्स बना लेना, जब पैसे जमा हो जाए तो मुझे लौटा देना। डब्बे में दही चावल और अचार तो रहता ही है। नहीं, नहीं नहीं, आज मैं दाल चावल आई हूँ। वो भी ठीक है। अब ये तुम्हारा पैसा उठाओ और यहाँ से 9:00-11:00 हो जाओ। ये लो पकड़ो वरना लेट हो जाएगा। ए, 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 ऑटो खड़ो। पर ये तो आपके पैसे हैं। वो सूद समेत ले लूंगा मैं। ए, ए, सुन सुन। हाँ सर। कहाँ गए तू? गांधीनगर। कौन सा एरिया? माधोबाग। थाने का नंबर पता है ना? जी सर। इनको कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे फोन कर। ठीक है सर। जाओ। जनार्दन। यस सर। जाओ जरा ऑटो का पीछा करो। जी। उन्होंने तुम्हें फोन करने को क्यों कहा? वो क्या है ना, मेरी शक्ल थोड़ी गुंडे मवाली की तरह है, इसलिए उन्हें शक हुआ होगा। वैसे मैडम वो क्या आपके रिश्तेदार लगते हैं? बड़ी फिक्र है उन्हें आपकी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसी कोई बात नहीं है तो उन्होंने अपना हवलदार हमारे पीछे क्यों लगाया है? मैडम शिवा सर के आने के बाद शहर का नक्शा ही बदल गया है। दिन दहाड़े होने वाली गुंडागर्दी भी बंद हो गई है। अब देखिए ना, ऑटो चले ना चले लेकिन मीटर एकदम सही चलते हैं। बहुत ईमानदार है हमारे नए डीसीपी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो तुम इस पुलिस वाले से दूर ही रहना वरना मैं काकी मामी को बताऊंगी। तुम काकी मामी को बताओ या फिर शिव जी को? फिर से शिवा का नाम लिया। वो अच्छे इंसान है, बहुत ईमानदार है। भावना, जानती है आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट कौन है? डेप्यूटी कमिश्नर शिवा। ये क्या किया आपने? आपने तो मेरा धंधा ही चौपट कर डाला। पहले तो कभी एक आध धमाका सुनाई देता था, अब ऐसा सन्नाटा है लगता मैं बहरा हो गया हूँ। अरे तुझे भी बम लगाने के अलावा कुछ सूझता है कि नहीं है? मैंने तुमको 35 एकड़ की पटाखा फैक्ट्री का मालिक बना दिया वहाँ शिवा काशी में, और तुम यहाँ खम्बे की तरह स्टैचू बनकर खड़े हो। तू है तुम पर। कुत्ते की वफादारी तभी होती है जब वो अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता घूमे। इसे यहाँ से जल्दी रवाना करो वरना यहाँ भी बम फोड़ देगा ये। सुना नहीं, अब जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। तुम्हारे बॉस का? सर वो डुबकी लगा रहे। वैसे लोग पानी के अंदर 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, पर हमारे बॉस कमाल के हैं, वो 10 मिनट से भी ज्यादा रह सकते हैं। वेलकम शिवा, आओ आओ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो भाई, हैरान हो रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम आए हो? बचपन से ही मुझे यहाँ नहाने की आदत है, पानी के अंदर से ही मैं देख लेता हूँ कौन आया कौन गया। हाँ ऐसा है ना कि मैंने इसको एमएलए बनाया और इसको देखो, बेवकूफ ने तैश में आके बड़े बड़े वादे कर दिए, ये करेगा वो करेगा, वाटर सप्लाई शुरू करवा देगा, वादों का पिटारा खोल दिया इस गधे ने। अपने सीएम जो है ना, स्टेज पे कुछ कहने से पहले मुझसे पूछते हैं, मगर ये बगैर पूछे लंबी लंबी फेंक आया। मेरा नहाना पूरा होने के बाद इस शहर को पानी मिलेगा। शिवा मुझे गलत मत समझना, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, पर अगर भड़क गया तो किसी को नहीं छोड़ता। देखो सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, टाटा सुमो क्वालिस, लेकिन तुमने सोचा मेरे पास एम्बेसडर क्यों है? ज्योतिषी ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर मैं इस गाड़ी में ना घूमा तो। अच्छा सुनिए, वार्ड 75 का कॉर्पोरेटर आपका नाम लेके हमें टेंशन दे रहा है। अच्छा कौन है ये बदमाश, हमारा नाम लेके हमें बदनाम कर रहे हैं? बुलाओ उसको फौरन। ठीक है बॉस। उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। ठीक है चलता हूँ। ये कितना अच्छा बंदा है, हर काम मुझसे पूछ कर करता है। हमारे आज के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे खास मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट। जब से आप इस शहर में आए हैं क्राइम रेट काफी कम हो गया है। अगर आपको कभी किसी मदद की जरूरत पड़ी तो जरूर याद कीजिएगा, डीएम होने के नाते मैं जरूर करूंगा। डीसीपी से ये अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें। मुझे इस शहर की मिठाई पसंद है जैसे हलवा। इससे जरा बच के ही रहना तुम। और मैं दाद देना चाहूंगा इस शहर की लड़कियों की, बड़ी हिम्मत वाली और समझ बूझ वाली। इस शहर की लड़कियां छाता लेके ऐसे चलती हैं जैसे उनके पास कोई हथियार हो। यहां की लड़कियां झांसी की रानी की तरह हैं,
मैं आप लोगों को अपने पास हथियार रखने को नहीं कहूंगा। आपके घर में जो मिर्ची पाउडर है आप उसी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मिर्ची पाउडर से ही मुझ पे हमला हुआ था, सच कह रहा हूँ। ए, वो तेरे ही बारे में बोल रहा है? इस शहर की एक बहादुर लड़की ने मुझे चोर समझ लिया, मुझे और मेरे दोस्त को कमरे में बंद कर दिया और मिर्ची पाउडर छिड़क दिया। वो लड़की इसी कॉलेज की है, वो रही जिसे काले रंग की ओढ़नी पहनी है, वो रही। आओ स्टेज पर आओ, तुम अपनी जुबानी बता दो क्या हुआ। ए, तुझे ही बुला रहा है, जा ना। अरे जा, जा ना। भावना प्लीज स्टेज पर आ जाओ। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। इनकी बहादुरी बेमिसाल है, ये बहुत ही होशियार है। आपकी खूबियां मुझे बहुत पसंद है। भावना, कहाँ से आ रही हो? ये हार किसने दिया? ये हार मुझे शिवा ने दिया है। क्या कहा? मतलब दादी, ये हार भगवान शिव जी का है। शिव जी का हार है? तो जाओ मंदिर में उन्हें वापस पहना दो। ठीक है दादी। वंदे मातरम, वंदे हिंद। अरे बच्चों, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? आओ सबके साथ यहाँ पर खड़े रहो। अरे अरे, ये कैसे संभव है? ये हमारे देश का भविष्य है। और जात पात रंग भेद का क्या? ए, रंग का फर्क झंडे में अच्छा लगता है, दिलों में सब रंग एक से होने चाहिए। पर वो छोटी जात वाला है। ए, क्या जात पात में फंसे हुए हो? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बीमार पड़ जाते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो उससे पूछते हो उसकी जात क्या है? स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक की जात पूछते हो? ये जात पात बनाने वाले हम इंसान ही है। इस हवा, इस पानी की जात क्या है? कण कण में भगवान है, अगर उसकी जात किस दिन पूछ ली तो खाने के वांदे हो जाएंगे तुम लोगों के। क्या कर दिया अंकल, अब जो मिठाई मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलेगी। ओ मेरे नादान से प्यारे से बच्चे, आ मैं तेरा दर्द अपने सीने से लगा लूं। आज हमारा स्वतंत्र दिवस है, इस दिन के लिए हमारे कई भाइयों ने अपनी जान कुर्बान की थी। आओ मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। ये देखो, जानते हो ये कौन है? हाँ मैं जानता हूँ, पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी ना। पुलिस ढूंढ रही थी? इस वीरप्पन ने ही हमारे सुपरस्टार को अगवा किया था। आजकल के शैतान बच्चे एक महान इंसान को वीरप्पन कह रहे हैं, क्या होगा इस देश का? आज अगर ये जिंदा होते तो ये सुनकर दोबारा मर जाते। नेताजी, लगता है कोई नई पार्टी बना रहे हो, हमें भी ले लो। मैंने कब कहा कि मैं पार्टी बना रहा हूँ? रंग बिरंगा झंडा लगाया, आसपास लोग जमा कर लिए। हाँ बात तो तूने सही कही, आजकल कोई भी झंडा लगा के भीड़ इकट्ठी करके पार्टी बना लेता है। आपका पीके बनूंगा, पार्टी का सेक्रेटरी बनूंगा और पार्टी का प्रचार भी करूंगा, सब कुछ। सेक्रेटरी बनेगा तो उसके पैसे एडवांस में ले ले। ये बेचारे बहुत गरीब है, आप लोग इनका चोरी हुआ सामान ढूंढ दीजिए ना। आप ये क्या कह रहे हैं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। क्या कहा था आपने, 4 सोने के कंगन और 1 लाख रुपए नकद, इतना सब कुछ कोई घर पे रखता है क्या? आपको इतनी भी अकल नहीं है? इनकी चीजें ढूंढ दीजिए। अरे वही तो कर रहे हैं, अब आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना है? लापरवाही करो तुम और भुगते हम। अच्छा सुनो, नाम क्या बताया था आपने? नारायण। ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। ओ, इतना कीमती सामान घर पे छोड़कर पूरी फैमिली पिक्चर देखने गई थी क्या? हेलो, शिवा स्पीकिंग। हेलो, मैं भावना बोल रही हूँ। कौन भावना? आपने जिसे ऑटो का किराया दिया था ना, वो भावना। अच्छा, मिर्ची पाउडर, क्या बात है, कैसे हुई चोरी? सर, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, फौलादी रोड से तिजोरी तोड़ी, उंगलियों के निशान ले लिए, पुलिस के स्निफर डॉग्स आते ही होंगे सर। हेलो परम, सुनो मुझे उन चोरों की लिस्ट चाहिए जो आयरन रॉड यूज करते। एक मिनट सर। हाँ बोलो। सतीश शाहू, मंगेश कुमार, अनवर, मार्शल डेविड, परमेश्वर दुबे, फिलिप्स, ये लोग हैं सर। सबको ढूंढो और मुझे खबर करो, ठीक है? ओके सर। 35 साल की जी तोड़ मेहनत करके मैंने ये सब बनाया था। आपकी मेहनत की कमाई ना आपको मिल जाएगी। हेलो सर, सारे चोरों को पकड़ लिया है, बस एक मार्शल डेविड मिसिंग है। ढूंढो उसे। मैंने सारे जेवर इसकी शादी के लिए जोड़े थे, अगर नहीं मिले तो मैं इसकी शादी नहीं कर पाऊंगा। आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, रोइए मत। सर, चोरी मार्शल डेविड ने ही की है। अच्छा, उसने चोरी करने से पहले पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी थी। हमें डूब मरना चाहिए, कहाँ है वो कमीना? हमने उसे पकड़ लिया है सर। ठीक है, सारा सामान लेकर यहाँ पहुँचो, वरना ये लोग खुदकुशी कर लेंगे। सबके बयान ले लो। हाँ पर हम ले आए। ये लीजिए सर। ये लीजिए आपकी अमानत, देखिए सब चेक कर लीजिए। अरे अरे, ये क्या? आप मेरे पिता समान, आप मेरे पैर कैसे छू? आप हमारे परिवार के लिए भगवान बन के आए हैं।
स्टेटमेंट दे लो सबके। आपने हमारी इज्जत बचा ली, हम ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलता हूँ। आपने बहुत होशियारी से चोर को पकड़ लिया, मुझे आप पर गर्व है। बस थोड़ा अपने पेट की चर्बी कम कर लो, वरना चोर के पीछे भागोगे कैसे? क्या हो गया सफेदी के चमकार, कहाँ जा रहे हो? टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो क्या? राज, हमारे यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है। कैसा अन्याय? तुम्हें क्या लगता है पुलिस वारदात होते ही आ गई और एक ही घंटे में वो चोर को पकड़ के मिली गई? अरे वही पहले चोरी करवाएंगे, फिर चोर पकड़ने की नौटंकी करेंगे, सब इनकी मिली भगत है। पुलिस चोर को ना पकड़े तो वो गलत है, और अगर वो पकड़े तो वो उनकी मिली भगत है, तुम जैसे लोगों की। तो तुम इनकी क्यों वकालत कर रहे हो? सूंघने वाले कुत्ते को भी एक दिन लग जाता है चोर पकड़ने में, तो इन्होंने एक घंटे में कैसे कर दिखाया? अरे हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, और तुझे पता नहीं हमारे देश की पुलिस दुनिया भर में वर्ल्ड फेमस है। ऐसा क्या कर सकती है? तुझे अरेस्ट कर सकती है अगर तेरे पास कोई हथियार है। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, देखो ये लो पकड़ो, इसके पास हथियार है, पकड़ लो इसे, पकड़ लो। अरे मेरा नहीं है। मैं बचपन से पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, मैं पुलिस वालों की बाहर से मदद करूंगा और दबंग और चिंगम बनूंगा, मैं पैदा ही इसके लिए हुआ हूँ। भाई पुलिस को खबर हो गई है, शिवा यहाँ आता ही होगा। ए, हम नहीं डरते किसी शिवा से, अगर 10 लोग मिलके कुछ करेंगे तो बड़ा जुर्म होगा, अगर 100 करेंगे तो वो हिंसक वारदात होगी, यानी कि जबरदस्त मुठभेड़ होगी, आने दो। पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, भीड़ को यहाँ से हटाओ। हमारे जात के एक आदमी की मौत हो गई, इंसाफ चाहिए हमें। उस केस की जांच हो रही है, परमिशन के बिना भीड़ इकट्ठा करना गैर कानूनी है। ये हमारा शहर है, हमें परमिशन की जरूरत नहीं। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गए तो क्या करोगे, लाठी चार्ज करोगे, ईंट पत्थर फेंकोगे? हम नहीं भागेंगे। जो चाहे कर लो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। शिवा तू पुलिस वाला या गुंडा है? ए, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना लाठी या ईंट पत्थर के तुम लोगों से बात करने चला हूँ। मैं इतना पागल भी नहीं कि पैर पे गोली मारने के लिए कलेक्टर के ऑर्डर का इंतजार करूँ। अपने डिसीजन खुद लेता है ये शिवा। ए, शिवा तू पंगा ले रहा है हमसे। क्या करेगा तू? तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। बसे जलाएगा मैं तुझे जला दूंगा। तू मारेगा तो मर्डर कहलाएगा। हम मारेंगे तो इंक्वायरी कमीशन बैठेगा। उस कमीशन को कैसे जवाब देना हम जानते हैं। अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो सरहद पर जाकर दुश्मनों और आतंकवादियों से लड़ो। शहर में फसाद करके पब्लिक को डिस्टर्ब मत करो। ए शिवा तुम जानते नहीं किससे पंगा ले रहे हो, हमारी जात से उलझने की गलती कर रहे हो तुम। जातिवाद, भाषावाद, रंग भेद और कट्टरपंथ की वजह से ही सारी लड़ाइयाँ होती है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही फसाद होते हैं। लेकिन मेरे रहते अगर कोई भी गड़बड़ी की तो घुटने फोड़ दूंगा, याद रखना, पूरी टोली को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मैं पुलिस नहीं, गुंडा। सर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने तो 100 बातें की, तू कौन सी बोल रहा है? वही, हम गुंडे हैं या पुलिस वाले? हाँ, हमें छोड़ो, हमें छोड़ो बेवकूफ कहीं के। क्या है ये, इतनी सारी जड़ी बूटियां डालने की क्या जरूरत थी? भाप नहीं, जहर है ये। मैंने तो बस दवाई डाली थी जो आपको मार डाले। नहीं नहीं, जुखाम को मारे। हाँ ये सही कहा, आज मैं तेरे खाने में जहर डालूंगा, सर से ऊपर जाएगा। बॉस, आज उसने उस जात को ललकारा है, कल वो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। क्या रे, क्या बेकार की बातें करता है तू, शिवा अपना आदमी है, वो अपने खिलाफ नहीं जा सकता। तुम लोग जाओ। सर हम इस बस स्टैंड पर ही पुलिस स्टेशन क्यों नहीं खोल लेते? ऐसा क्यों? क्योंकि जब देखो तब हम यहीं होते हैं। क्योंकि ये भीड़ भाड़ का टाइम है। भीड़ भाड़ का या लड़की के आने का? क्या बड़ा? मैं कह रहा था सुबह हम यहाँ खड़े होते हैं और शाम को सड़क के उस पार, क्योंकि सुबह उधर धूप होती है शाम को इधर होती है। इसकी वजह धूप है या मिर्ची पाउडर? क्या कहा? अरे देख तो शिवा वहाँ खड़े हैं। तुझे उनसे मिलने का मन नहीं है क्या? रुक मैं आवाज लगाती हूँ। शिवा ए, चुप कर। पीछे देखो, पीछे देखो। ले जाओ इसे।
डीसीपी साहब पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसे थाने ले जाओ और मार मार कर मुंह खुलवाओ इसका। ले जाओ। और लंच के लिए दही चावल चाय रखा है तो कॉलेज में हम इतने सारे पैसे लेकर क्यों जाएं? ये लीजिए आपका टिफिन। चाहे जो हो चाहे, शिव का तिलक ही लगेगा इसमें। शिव का तिलक लगे। खामोश, ये मंदिर है या मच्छी बाजार? बात ये है कि हमने अपने मंदिर के लिए एक हाथी खरीदा है। हाथी खरीदा है, शाबाश। अब क्या इसकी सूंड उठा उठा के इससे भीख मंगवाओगे? अरे वो बात नहीं तो है। फिर क्या है? बात ऐसी है कि अंदर एक भगवान विष्णु का मंदिर है और एक शिव शंभू का। ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। माथे पर विष्णु का तिलक ही लगेगा। नहीं नहीं, ललाट पर शिव का भस्म ही लगेगा। हाँ, आप लोग की सोच बहुत ऊंची है। एक काम करते, हाथी से पूछ लेते हैं। वो भगवान जानवर है, वो कैसे बोलेगा? तो फिर तुम जैसे बोलने वाले जानवर ही बता दो। विष्णु या शिव को लेकर बहस कर रहे हो, पर क्या किसी ने ये सोचा कि इस बेचारे हाथी को शर्ट या पैंट पहनाई जाए? हाथी मेरे साथ ही पिक्चर देखी है ना, उसमें हाथी कितने ठाठ से रहता, देखा कि नहीं? पहले ये बताओ तुम किसकी तरफ हो, उनकी तरफ या हमारी तरफ? आंटी जी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। विष्णु भगवान और शिव भगवान मेरे दिल में है। मैं शिव भगवान का रुद्राक्ष पहनता हूँ और माथे पर विष्णु भगवान का तिलक लगाता हूँ। आप लोगों का तो मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं यहाँ से रफो चक्कर हो रहा हूँ क्योंकि अब ये हाथी बहुत ज्यादा पॉटी करने वाला है। अब ये सोचो कि उसे साफ कौन करेगा? बेचारा जनरल सिंह का सीधा उल्टा हाथ सब है। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि इसकी नियत फिसल गई, क्या करे। अगर तेरी बहन होती तब भी तू ऐसी बात करता? हे शिवा, ले जाओ इसे। मुंह संभाल के बात कर, समझ गया ना? ये क्या यार, वो एमएलए रेपिस को छुड़ा के लेके जा रहा है। अबे देख तो सर, मुझे लगा था कि आप शरीफ और ईमानदार हो, लेकिन आपने उस रेपिस को छोड़ दिया। हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर आप? जिंदगी तो मेरी बहन की बर्बाद हुई है। सर, बड़ी उम्मीद थी हमें आपसे। हो गया तुम लोगों का? सुनो, अगर मैं उसे अभी अरेस्ट करूंगा तो वो मेरा ट्रांसफर करवा देंगे, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तुम लोगों को। वो तुम्हारी बहन को वैश्या का नाम देगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। तो हमें चुपचाप सहना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। आप लोग केरोसिन के लिए राशन की लाइन में, फिल्म देखने के लिए भी खड़े रहते हो ना लाइन में, तो इंसाफ खड़े खड़े कैसे मिलेगा? जब कोर्ट में केस जाएगा तो वकील घुमा फिरा के सवाल पूछेगा और उसके सवालों का जवाब देना तुम्हारी बहन के लिए मुमकिन नहीं होगा। उसे इतना जलील किया जाएगा कि वहीं ढेर हो जाएगी। तो क्या कानून कुछ नहीं कर सकता सर? ये पैसों के बल पर कानून को भी खरीद लेते हैं और आजाद हो जाते हैं। इनको तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि पत्थर बरसाओ इन पर। वो दिन आएगा और मैं खुद तुम्हें हथियार दूंगा उस वक्त। तब तक अपने जज्बात काबू में रखो। शिवा, चलो, तुम्हें बॉस ने बुलाया। उनसे कहो मैं बाद में। अभी चलना पड़ेगा। तेरे बाप का नौकर नहीं हूं। तुम लोगों ने आखिर समझा क्या है मुझे? अपना नौकर समझाया या अपना कुत्ता? तुम्हारा चमचा कर मुझे ऑर्डर देता है। अपनी खुददारी पर मुझे नाज है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। जो पैसे तुमने मुझे दिए वो तुम्हारे गुनाहों का जुर्माना था, उसके वजह से ये मत समझो कि तुमने मुझे खरीद लिया। ये एक शख्स है जिसकी मैं बात सुनूंगा, उसके अलावा कोई भी अगर मुझ पर हुक्म झाड़ेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, एक एक को भून के रखूंगा। उस वक्त वो ऊपर वाला भी नीचे आकर मुझसे कहेगा तो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, समझ लेना। वो डीसीपी हमें इतना सुना कर गया और आप कुछ बोले ही नहीं। अब ये पक्का हो गया वो अपनी ही बिरादरी वाला है। देखा नहीं, जब वो चिल्ला रहा था तो उसके कान कैसे लालम लाल हो गए थे। उसने इज्जत का कचरा कर डाला और आप उसकी लालिमा देख रहे हो। मैंने उसे बुलाया था, तूने हेकड़ी दिखाई और मुसीबत बुला ली। शिकार से पहले शेर भी दुबक के बैठता है, फिर छलांग लगाता है। ये यहाँ क्या कर रही है? जीप रोको। सर, इस वक्त आप कहाँ हो? कमिश्नर के ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? वो मिर्ची पाउडर वाली लड़की। हाँ तो उसका क्या? काफी देर से बस स्टैंड पर खड़ी है, आपने बुलाया था। नहीं तो, लेकिन मैं पहुँचता हूँ। और कमिश्नर से मीटिंग? उनसे बाद में मिल लूंगा ना। ये तो गया काम से। प्यार के चक्कर में अच्छे अच्छे भटक जाते हैं, फिर हमारे साहब कैसे बच सकते हैं? चल रहे। यहाँ क्या कर रही? मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
क्या बात करनी है? आप पिछले 4 दिनों से कहाँ थे? सीएम के काम से दिल्ली गया था। क्यों? अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैं जब तक आपको देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं आता, किसी काम में मन नहीं लगता है। ऐसा क्या? तो अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हाँ? वो कैसे? शादी के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? आप मुझसे शादी करेंगे? सच्ची? बिल्कुल सच्ची में। सर मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था और वो साइकिल वाला खुद ही बीच में आया, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती? हमारी मदद कीजिए। उसके लिए 40 लाख लगेंगे। आप सबको मेरी शादी की जल्दी क्यों है? अगर मैं आप सबको बोझ ही लगती हूँ तो बता दीजिए, मैं नदी में कूदकर किस्सा खत्म करती हूँ। बकवास बंद करो। नदी में कूदकर नदी का पानी खराब कर दोगी। मरने के और भी कई तरीके हैं। वैसे तुम ये नाखून क्यों खा रही हो? टेस्टी है क्या? मजा आता है मुझे, बस इसलिए खा रही हूँ। तुम और तुम्हारी ये बहन मेरी समझ के बाहर हो। तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी है तो मैं धक्के मार कर निकाल देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, उनको भावना पसंद है। अगर बाबूजी को मंजूर होगा तो शादी तय कर देंगे। हेलो। बोलो मेरी लाल मिर्च। मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए। कहाँ से आए बोलो? पुणे से आए हैं। जगह तो अच्छी, आसपास हरियाली है, तुम घूमने जा सकती हो। लड़का पसंद आ गया ना? यहाँ मेरी जान निकल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है? वो तारीख तय करने वाले हैं। तारीख तय होते ही बता देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। आप इतनी जल्दी कैसे आएंगे? खिड़की से बाहर देखो। अभी उठा के ले जाओ। अब मुझे कोई डर नहीं, आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। मुझे शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। देखिए हम आपसे किसी भी तरह से कम नहीं है। मेरा बेटा आरटीओ ऑफिसर है, हर महीने वो 25,000 की सैलरी पाता है, और क्या चाहिए आपको? ये सही तो बोल रहे हैं, 25,000 सैलरी है और 50,000 रिश्वत के खाता है वो। ये क्या कह रहा है? बेईमानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस घर में बेईमानी का पैसा आता हो उस घर में मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे पता चला है कि आपका बेटा अंडर द टेबल रिश्वत लेता है, पर हम ऐसे लोग नहीं, हम लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, इसलिए यहाँ से रास्ता नापो, तुम्हारी दाल निकलेगी। मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? तो फिर मैं काम करता हूँ, आपके लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करता हूँ, आपको मुफ्त खाने की आदत जो होगी। ए चुटिया वाले, तो ध्यान से देख ले, इस चुटिया की वजह से खिलती है मेरी पर्सनालिटी और बढ़ जाती है मेरी सेंसुअलिटी। मुझे पता है कि तू मुझसे जलता है, क्योंकि कुछ सालों बाद तू टकला हो जाएगा और मोहल्ले के लड़के तुझे चंदा मामा बुलाएंगे। जाओ बाबू, आप जाइए यहाँ से, जाइए, मैं कहता हूँ जाइए। क्या हुआ? मेरे बाबूजी ने उन लोगों को मना कर दिया। चलो अच्छा हुआ, चलो मैं चलता हूँ। हाँ लेकिन मना क्यों कर दिया? शायद लड़का रिश्वत लेता है, बाबूजी को इसका पता चल गया इसलिए उन्होंने मना कर दिया। क्या हुआ? हवा निकल गई। कोई है? अरे मिर्ची पाउडर रास्ता कैसे भूल गई? मुझे उनके घर की चाबी चाहिए। उनके घर की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए? वो हमेशा बाहर खाना खाते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आज घर में बना दूं। उन्हें कह दिया कि लंच के लिए वो घर आ जाए। खाना बनाने तक ही रखना और कामों में ना उलझ जाना। उन्हें खाने में क्या पसंद है? मेनू कार्ड में ऊपर से लेके नीचे तक हर आइटम का स्वाद लेते हैं। सर वो पेट्रोल पंप वाले मिलावट कर रहे हैं। मिलावट तो हर चीज में होती है, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करो ना। अरे उन्होंने तो इस पे हाथ भी उठाया। बात कर इस औरत पर। क्या हुआ? जब मैंने पेट्रोल पंप वाले को पूछा कि पेट्रोल कम क्यों दिया तो उसने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। क्या देख रहे हो? हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल नहीं जाना। हाँ। आप पहले मेरे साथ पेट्रोल पंप चलिए। अरे लेकिन कितना डालू? 1 लीटर। बोतल में देना मना है। सर बारिश में। ये 1 लीटर है। अरे उसे क्यों मार रहे हो? उस औरत को किसने मारा? बोल किसने मारा? बोल। ये मारपीट क्यों कर रहे सब? 1 लीटर की जगह 0.5 लीटर देता। अरे लेकिन आप हमें मार क्यों रहे? आखिर हमने क्या किया है? चोरी करता। वैसे भी इसकी पूछताछ करने वाला डिपार्टमेंट है ना, आप उनसे जाके शिकायत कीजिए। डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी, अगर बेईमानी करेगा तो पब्लिक को पूछने का हक है, समझा? तेरा बॉस का सर, इस आदमी बॉस का तेरा। तू इधर 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 तू इधर जा रहा है। भाग रहा है? कहाँ भागे? कहाँ भागे? भगा नहीं सबको। सील कर दो पूरा पेट्रोल पंप। बॉस, शिवा ने अपना एक पेट्रोल पंप सील करवा दिया।
आइए सर। कहाँ है वो डिप्टी कमिश्नर? शायद वो घर पे होंगे सर। परम भाई ने कहा कि आपको खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ बनाने नहीं आता, सॉरी। लेकिन मैं शादी के बाद सब कुछ सीख जाऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। कोई बात नहीं, तू जो बना के खिलाएगी मैं खा लूंगा, कच्चा पक्का जैसा भी होगा मैं खा लूंगा, ठीक है? क्या खुशबू है, होटल से लाई क्या? आप जानते हैं मेरी सहेलियां कहती हैं कि मैं बहुत लकी हूँ। वो क्यों? आप इतने ईमानदार अफसर हैं, सभी लोग आपको इतना चाहते हैं। ऐसा क्या? बस मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती है। ये जो आपकी मूंछों में एक सफेद बाल है ना, मैं इसे खींच लेती हूँ। वो मेरा लकी बाल है, एक दिन जरूर निकाल दूंगी। ठीक है। देखती हूँ। ठीक है, अब आओ ना। रुक जा, मैं देखती हूँ। आ रहा हूँ। कौन है ये लड़की? शादी हो गई इससे तुम्हारी? यहाँ लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो? देखो तुम्हें जो करना है वो करो। पेट्रोल पंप बंद करके सील करवा दिया। तुम्हें मैंने करोड़ों रुपए खिलाए ताकि तुम हमारे वफादार रहो, और क्या किया तुमने? ए! जो खाना तुम्हारे पेट में इस वक्त है ना, वो मेरी दी हुई भीख के पैसों से खरीदा है तुमने। अगर कोई मेरे रास्ते में टांग अड़ाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, फिर चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। मेरे साथ होने का वादा करते हो और काम मेरे खिलाफ करते हो। मुझको कम मत समझना, एक की जान लेने के लिए मैं पूरे घर तबाह कर सकता हूँ। अगली बार मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम कहाँ गायब हो गए। इतने छोटे छोटे टुकड़े काट कर फेंकूंगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। हम जा रहे हैं, अबे चलो। प्लीज देखो भावना, तुम मुझे गलत, मेरी बात तो सुनो, वो तुम उन्हें जानती नहीं हो। बोलो अरे वो लोग क्या करते, तुम्हें पता मैं ऐसा नहीं हूँ। भावना मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो तुम मेरी। भावना देख, भावना ए! बॉस पेट्रोल पंप खुल गया क्या? ए, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उस डीसीपी को पहले दिन ही सबक सिखाना चाहिए था। बॉस आप बताइए हमें करना क्या है। जब उस औरत को चोट लगी तो वो कैसा भड़का था, हमने कितना पूछा वो कुछ नहीं बोला है। अरे वो सब छोड़ो, ए, इस खबर को तो न्यूज पेपर में छपना ही चाहिए। छोड़ो मुझे, मेरी बात तो सुनो। सुनने सुनाने को रह क्या गया है? लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत हो गया, अब मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा, मेरा विश्वास टूट गया है। भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपने एक सीधी सारी लड़की का दिल तोड़ा है। मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं बेवकूफ एक धोखेबाज की बातों में आ गई, आपने तो सारे शहर को धोखा दिया है, क्या पता किसी दिन मेरा सौदा। बस कर, खबरदार अगर इस तरह की बात दोबारा की जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। तुमने इल्जाम तो लगा दिया लेकिन असलियत जानने की कोशिश नहीं की। पुलिस की नौकरी सिर्फ एक धंधा बन के रह गई, मगर मैं अपनी इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ, अपने पिता के वचनों का पालन करता हूँ। आदमी चाहे किसी भी जात या धर्म का हो, अगर उसने कोई गलती की है तो उसे सजा दिलवाने का अधिकार सिर्फ पुलिस को ही है। इसीलिए मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और कहा कि उसे पुलिस की नौकरी करनी है। बहुत अच्छी बात है, पुलिस बनकर क्या वो हमारे गांव में आएगा? अरे भाई पहले उसे बुलावा तो आने दो, अगर उसे पुलिस की नौकरी मिल गई तो एक दिन जरूर आएगा यहाँ। शिवा, तुम्हें पुलिस की तरफ से इंटरव्यू का कॉल आया है। बेटे कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू?
ये नौकरी में नहीं करना चाहता। ये क्या कह रहे हो तुम? बस ऐसे। क्यों? सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए? उन्हें जवाब से कोई मतलब नहीं, रिश्वत चाहिए उन्हें। मुझे नहीं करनी ये नौकरी। तुम्हें ये नौकरी चाहिए मगर तुम हिचकिचा रहे हो। कितनी रिश्वत मांग रहे हैं वो? 25 लाख रुपए। बाबूजी ये सब क्या है? रिश्वत का इंतजाम। जमीन का सौदा कर दिया 20 लाख में, घर गिरवी रख दिया 5 लाख में। जमीन और घर का सौदा करके? बेटे कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। 30 साल पहले मैंने खुद को बड़ी मेहनत से पुलिसमैन बनने के लिए तैयार किया था, मगर मेरे पिताजी रिश्वत के 8,000 नहीं दे पाए और मैं पुलिसमैन नहीं बन पाया। इस तरह न चाहते हुए भी जब मुझे खेतों में काम करना पड़ा तो बड़ी तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा हाल तुम्हारा भी हो। मैंने पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, काम शुरू किया, मगर मुझे क्या मिला? नेताओं की दादागिरी। ऊंचे अफसरों को मेरा रवैया पसंद नहीं है और मेरा बार बार ट्रांसफर होता रहा। ये क्या कर रहे हो? तुमने हाल ही में पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है और तुम हमसे पैसा लेने से मना कर रहे हो? नौकरी के लिए रिश्वत दी थी ना, अब तुम भी खाओ। चलो निकलो। सॉरी सर, आपको अपने सारे गैर कानूनी कारोबार बंद करने होंगे वरना मैं सख्त कदम उठाऊंगा। अरे देख के बोल देता ना, बॉस ने भिजवाया है। सर मैंने उसे कहा था लेकिन वो नहीं माना। बिना धनुष किस काम का? पॉलिटिक्स बिना गुंडागर्दी के चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। वो तुम्हारी निगाहों में गलत हो सकता है, मेरी नहीं। छोड़ दो उसे। जमानत के पेपर्स लाए हो क्या? पुलिस ऑफिसर तुम हो, भूल गए क्या? संडे को जमानत के पेपर्स नहीं मिलते। पेपर कल दे दूंगा, उसे अभी छोड़ो। FIR दर्ज हो चुकी है, बिना जमानत के नहीं छोड़ सकता। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, फाड़ कर फेंको उसे। तेरी तो दादागिरी करता है। ए, देखना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इससे बदतमीजी करने के जुर्म में बंद कर दो इसे। तुमने हमारे साहब पर हाथ कैसे उठाया? तू काला कोट पहन के इसलिए बच गया, वरना तेरा भी यही हशर करता मैं। उस अकड़ू का ट्रांसफर करवा दो। ट्रांसफर से कुछ नहीं होगा, इसका तो वो हल करना चाहिए कि छटपटाए भी और कुछ कर भी ना पाए। इसको तो अब मैं दिखाता हूँ कि एक पॉलिटिशियन क्या क्या कर सकता है। हम विजिलेंस डिपार्टमेंट से आए हैं, हमें खबर मिली है कि तुमने रिश्वत खाई है, हमें तुम्हारी जीप की तलाशी लेनी है। जानती हो मेरी ईमानदारी का मुझे क्या इनाम मिला? रिश्वतखोरी का इल्जाम और सस्पेंशन। मेरे बेटे की शादी में जरूर आइएगा। शिवा की शादी और हम ना आए, ऐसा कैसे होगा? अरे ये देखिए संधि जी की गाड़ी आ गई। संधि जी नमस्कार, आप इधर आइए। सबसे पहले तो आप शादी का कार्ड बांटना बंद कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके सबूत को रिश्वतखोरी के चक्कर में अंदर कर दिया है। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप। इल्जाम नहीं, सबूत है हमारे पास। अखबार के फ्रंट पेज पे तुम्हारे बेटे की करतूत छपी है, देखिए। चाहे कुछ भी हो जाए अब ये शादी नहीं हो सकती। बाबूजी आप भी इन बातों पर विश्वास करते हैं? अगर भगवान भी आकर मुझसे ये बात कहे तो मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्योंकि मैंने अपने बेटे को जो संस्कार दिए हैं, जो शिक्षा दी है, वो गलत हो ही नहीं सकती। अगर गांव वाले कहते हैं कि मेरा बेटा रिश्वत ले रहा है तो वो सब बकवास करते हैं। क्या ईमानदारी की यही सजा है? इंसाफ और कानून तो जैसे दफन हो गए हैं। एक ईमानदार अफसर को सस्पेंड कर दिया। सिर्फ बहादुर होना ही काफी नहीं होता, कभी दिमाग से भी काम लो। तूने रिश्वत नहीं दी फिर भी तुझ पे इल्जाम तो लगा रहा।
आज के बाद तू रिश्वत लेना और उन्हीं पैसों से अच्छा काम करना। अगर यहाँ पे 100 लोग बुरे हैं तो उन्हें भूल जाओ, पर यहीं 4 अच्छे लोग भी तो होंगे, तुम उनके लिए अच्छा काम करो। रामायण में कहा है अगर बाली अच्छा होता तो राम उस पर सामने से वार करते, मगर वो बुरा था इसलिए राम जी ने छुप के वार किया। युद्ध के नियम के अनुसार ये गलत है, मगर इंसानियत की नजर में यही सही है। बेटे शिवा, तेरे पैदा होने से पहले मेरे 5 बच्चे मर गए थे, तू मेरी 6ठी औलाद है, इसलिए मैंने तेरा नाम रखा षष्ठ शिवा, यानी 5 मृत्यु के बाद हुआ शिवा तेरा जन्म। अब शिव की तरह संहार कर अपने शत्रुओं का और अंत कर दे सारी बुराइयों का। अच्छाई के लिए बुराई का नाश करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने में 6 महीने लग गए, बहुत मुश्किलों का सामना किया मैंने। भ्रष्टाचार और बेईमानी हर जगह मौजूद है, उन्हें उसूलों के साथ ठीक करना आसान नहीं, इसलिए मैंने अपने बाबूजी की बात मानी और अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला। भावना, मैंने पब्लिक से कभी रिश्वत नहीं ली, बल्कि उन करप्ट लोगों से रिश्वत ली जो पब्लिक को धोखा देते हैं। मैं जो रिश्वत लेता हूँ उन्हें अच्छे कामों में लगाता हूँ, इनसे जो भी पैसा लिया खुद पे कभी खर्च नहीं किया। चलता हूँ। अरे हम उनसे ऊंची जात के हैं, वो हमारी बराबरी का नहीं है, फिर भी तुमने ऐसी गलती कैसे कर ली? वो बहुत अच्छे इंसान है। अभी उम्र है क्या है तेरी जो तू इस तरह की बातें कर रही है? आप उनसे फोन पर बात करके देखिए ना। चुप रहो तुम, इसीलिए मैं तुमसे कहता था कि बेटी पर नजर रखो, वो कॉलेज जा रही है या कहीं और जा रही है। बस कीजिए, बेचारी छोटी सी बच्ची है, इसकी क्या गलती है? अगर आपने प्यार दिया होता तो ये घर के बाहर प्यार के लिए भटकती क्या? आप उनसे बात तो कीजिए। क्या बात करें उनसे, उनसे ये कहें कि तुम हमसे नीची जात वाले हो, पता है कितनी बेइज्जती हो जाएगी। आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए। बकवास करते हो। देखो इस पर पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला है, उस लड़के को फोन करो और उससे बात करके देखो। कॉफी लीजिए ना। शक्कर घोलने के लिए पहले कॉफी को अच्छे से हिलाओ। कॉफी गर्म है, ठंडी करके पियो। चुस्की नहीं पूरी कॉफी गटक जाओ। ये लोग तो कॉफी पिलाने के बजाय कॉफी पे लेक्चर पिलाने लगे। सब कुछ ठीक। हमारी बेटी एक पुलिस अफसर से प्यार करेगी, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। दादी जी, चोर से प्यार करती तो गलत होता क्या? हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, तो बताओ हमारी बेटी तुम्हारे साथ कैसे खुश रहेगी? मैं आप लोगों के साथ एक दामाद की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह पेश आऊंगा, यकीन कीजिए। अभी ये बहुत छोटी है, कॉलेज भी पूरा नहीं किया है, तो इतनी जल्दी हम इसकी शादी कैसे कर सकते हैं? फिक्र मत कीजिए, उसकी पढ़ाई मैं पूरी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा अगर हम आपका ये प्रपोजल मान लें तो ये बताओ कि आप दहेज कितना लेंगे? शगुन के तौर पे आप सिर्फ 1 रुपया देना। 1 रुपया? दादाजी ये क्या हमें चिंदी समझता है? दामाद जी इन्हें बताइए हम गए गुजरे नहीं है। मेरे बेटे की सैलरी 25,000 रुपए है, हमारी घरेलू कमाई 20,000 है जो मसालों के पैकेट बेचने से होती है, और पंडित जी हमारे। दादाजी मेरी बातें छोड़ो ना, कुछ और बात करो ना। छोड़ दिया, कुछ और बात करते हैं। हम आपको दिल खोल के देंगे, आप मांगो कितना मांगते हो। ठीक है तो 5 लाख रुपए और 100 तोला सोना दे दीजिए। भाई तुमने हमारी बातों को दिल पे ले लिया क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी का साथ ही मेरे लिए काफी है। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे पालूंगा तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बस। उठिए, ये हुई ना बात, खुश जुग जुग जियो। तो हमारा पहला दामाद कामचोर और दूसरा पुलिसमैन। दादाजी ये क्या कह रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आप तुम जरा संभल कर रहना। आप शायद इस रिश्ते से खुश नहीं है, आप पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिए, मैं इंतजार करूंगा। शिवा बेटे तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हमारे खानदान में तकरीबन 400 लोग हैं, तुम ही बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। छोड़िए ना, उन 400 को भूल जाइए, एक अच्छा इंसान रिश्तेदार बन रहा है। अरे श्रीनिवास, अगर मेरा बेटा होता और आपकी बेटी का हाथ मांगता तो आप बताइए मंजूर करते कि नहीं? मैं आज से इसे अपना बेटा मानता हूँ और इसके लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। उस दिन जब मैं तुम्हारे पैर छूने झुका था तो तुमने कहा था मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? आप क्या सोच रहे हो? हाँ कह दो। ठीक है। தை மாதம் 4ஆம் தேதி பழனி சீமான் சொக்கலிங்கத்தின் புதல்வன் சாமி என்கிற ஆறுசாமிக்கும் அம்பா சமுதிரம் சிறுவாசனும்
जात जात में कोई भेद नहीं। जात जात में कोई भेद नहीं। अरे गुरुजी आप क्या सिखा रहे हो, हमें क्यों बोर कर रहे हो? कुछ फिल्मी कलिया खिलाओ। गर्लफ्रेंड कैसे पटाऊं वो बताओ, या कोई अपनी प्रेम कहानी बताओ। और आपकी कोई नहीं तो अपनी सुना दे। कुछ मर्दों वाली बातें बताइए, बड़ा सोचिए। इन बच्चों ने तो मुझे भी सोच में डाल दिया। गुरु जी नमस्ते। गुरु जी देखिए ना, मेरा बेटा इतना होशियार है लेकिन स्कूल में उसे दाखिला नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे नहीं देगा दाखिला? हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? नमस्ते। ये लड़का बहुत गरीब है मगर पढ़ाई में तेज है, इसे दाखला दे दीजिए। मैं इसे दाखला नहीं दे सकता। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसके माँ बाप अनपढ़ हैं। तो फिर एक काम कीजिए, पहले इसके माँ बाप को दाखला दो, वो अनपढ़ नहीं रहेंगे, फिर इसे दाखला दे देना। क्या अनशन बके जा रहे हो? मैं अनशन नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चा पढ़ाई करेगा। इसके माँ बाप 40 साल के हुए तो भी वो पढ़ाई करेंगे। अगर माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं तभी वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। तो फिर आप लोग यहाँ टीचर बनकर क्यों बैठे हुए हो? इधर आओ, यहाँ तो हम डोनेशन बटोरने के लिए बैठे हैं। ठीक है, जो दे सकते हैं उनसे लो ना, ये पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसे दाखला दे दो। इस एक के पढ़ने से कितना बढ़ेगा इंडिया? ये पढ़कर अपने माँ बाप का और देश का नाम ऋतिक की तरह रोशन करेगा और अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनेगा और चांद पर जाकर आपको वहाँ से थैंक यू बोलेगा। ये क्या चांद पे जाएगा, कपड़े तक तो है नहीं इसके पास पहनने के लिए। तो असली मसला कपड़ों का है। कपड़ों का ही इंजन नहीं, उसका भी तोड़ है मेरे पास। ये क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? बेटा हाथ ऊपर कर। शाबाश शाबाश, कुर्सी को कपड़े की जरूरत नहीं है, इंसानों को है। वाह वाह, देखा क्या लग रहा है ना, इसे दाखला दो। अरे सिर्फ शर्ट होने से क्या होगा, पैंट का जुगाड़ कहाँ से करूँ? पैंट के लिए मटेरियल कैसा है? साड़ी छोड़ो, दाखिला ले लो। ये हुई ना बात। अरे क्या बात है गुरुजी, मेरे बेटे को दाखिला मिल गया क्या? इसे दाखिला भी मिला और कपड़े भी। ये आपने कैसे किया? ये अपुन का स्टाइल है। विपक्षी दल वाले नेताओं ने सत्ता पार्टी को गाली दी। इसके विरोध में सत्ता पार्टी ने फैसला किया है कि वो एक दिन की हड़ताल पर जाएंगे जिसके चलते पूरा शहर बंद रहेगा, कोई भी जरूरी। ये हमारी पार्टी का बंद है, कोई भी आदमी बाहर नहीं आना चाहिए, चाय पान की दुकान ठेले वगैरह कुछ नहीं खुलना चाहिए। हमारे सभी आदमियों को खबर कर दो। ओके बॉस। सर त्योहार के वक्त अगर दुकानें बंद होगी तो कैसे चलेगा सर? सिक्योरिटी के लिए बंद तो रखना ही पड़ेगा सर। ये सरकारी नहीं सत्ता पार्टी का बंद है ना सर, हमारा माल खराब हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सर। हमने ज्यादा पैसे दे के माल खरीदा है साहब, अगर आप भी ऐसा ही कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर हम दुकानें बंद कर देंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा सर। ठीक है, आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए, बाकी मैं समझ। ठीक है सर, जनरल सिंह का हाथ है इसमें, हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अरे छोड़ो, इन गरीबों का इतना नुकसान हो जाएगा उसकी भरपाई कौन करेगा? भाड़ में जाए जनरल सिंह। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फोन करो। सर सर, हरम यहाँ की क्या सिचुएशन? जैसा आपने कहा था वैसा पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अरे भैया, हमें बंद की खबर तो अखबार से मिली। यहाँ की सिक्योरिटी मैंने खुद देखी है सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरफ? इस तरफ भी मैंने चेक कर लिया है। अरे तुम्हें पता है पुलिस ने गुंडों को खूब पीटा। तक शिवा सर है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। नमस्ते साहब। अच्छा नमस्ते। सब ठीक है ना? बहुत अच्छा है सर। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? बाद में फोन करते हैं। हेलो हेलो, हमारे नए डीसीपी भगवान है। भगवान बहुत अच्छे पर। सर आप सत्ता पार्टी के बंद के खिलाफ जनता को प्रोटेक्शन देंगे? जनता इस वक्त मेरे लिए किसी भी पार्टी से इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होता तो आज हमारी दुकानें बंद होती। वो साले जीत गए और हमें हार का मुंह देखना पड़ा। वो शांतिपूर्वक खत्म हो गया। इस शहर में छोटे मोटे हंगामों को छोड़कर रोज के कार्य बिना बाधा के पूरे किए गए। सारी दुकानें खुली रही और किसी भी दुर्घटना का कोई समाचार। कार निकालो। साहब जल्दबाजी ठीक नहीं, अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। धोखेबाज धोखेबाज कमीने की बात नहीं कर रहा, मगर उन दुकानदारों की हिम्मत कैसे हुई? उन कमीनों ने दुकानें खोल दी। ये सब उस शिवा के सपोर्ट की वजह से हुआ। दुकानदार जानते हैं कि वो हमारे बॉस के खिलाफ गए तो क्या अंजाम होगा। अगले शुक्रवार शिवा की शादी है, उस वक्त सारी पुलिस फोर्स उस शादी में लगी रहेगी। उस दिन हम दुकानदारों को अपना असली रंग दिखाएंगे, उनकी लाशों को टीवी पर दिखाना चाहिए बॉस। क्या प्रथा बनाई हमारे लोगों ने, पुराना सामान जलाओ और अच्छी दुआएं पाओ, पोल्यूशन के बारे में जरा भी नहीं सोचते। एक दिन ओजोन लेयर में से होल हो जाएगा और एलियन आकर हमको होलसेल में ले जाएंगे। मौसी जी,
मौसी जी, ये वही चटाई ना जिस पर मौसा जी सोते हैं, आप इसे भी जलाएंगी क्या? ये चटाई पुरानी वो है। तो मौसा जी भी है। चुप कर बदतमीज। ये चटाई गरीब बच्चों को दे दो, वो इस पर सोएंगे, आपको दुआ देंगे। चुप कर, चल जा यहाँ से। अंकल जी आप ये आग में क्या झोंकने वाले हैं? पुराने कपड़े हैं बेटा। आपके लिए पुराने होंगे पर इनके बहुत काम में आएंगे, इन्हें दे दीजिए ना। पुराने सामान को जलाने का रिवाज है, इसे बड़ा शुभ माना जाता है। वो कहावत नहीं सुनी तुमने? पुराना हटाओ और नया लाओ। अच्छा, तो सारा पुराना सामान आग में डालना चाहिए ना? बिल्कुल ठीक कहा बेटा। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये हमारे पूरे जिले के सबसे पुराने आदमी है, इन्हें आग में डालेंगे तो पूरे जिले को अच्छी दुआएं मिलेंगी, है ना? रुको, ये क्या कर रहे हो? क्यों? ये मेरे बड़े भाई। अपनों की बात आई तो आए ना लाइन पर, गरीब बच्चों के बारे में सोचते भी नहीं हो। कपड़े नीचे रखो और मैं तुम्हारे भाई को नीचे रखता हूँ। ये लो। सॉरी अंकल, और थैंक्स भी, आपकी वजह से आज इन गरीब बच्चों को कपड़े मिले। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, वक्त रहते चुका ही दूंगा, पक्का प्रॉमिस। अंकल बोलो ना। अंकल बोलते क्यों नहीं? ये क्या, ये अंकल तो एक दो दिन पहले ही कट लिए हैं। ये पहले ही समझ गए थे कि आज के इंसानों को पुराने लोगों की और चीजों की कद्र नहीं है। रुक जाओ, कब तक ये घिसी पिटी धुन बजाते रहोगे? आज का कुछ लेटेस्ट बजाओ ना। ये दुनिया। नमस्ते। खाना खाकर ही जाना, ठीक है ना? मेरा पेट ठीक नहीं है। टॉयलेट में प्लेट लगा देता हूँ, आराम से उंगलियां चाट के खाना। उपवास आदमी है, हमें फिर से उपवास रखना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग दुकानदारों को बेरहमी से मार रहे हैं। आपके चार पुलिस वाले भी मारे गए हैं, और तो और बच्चों पर भी रहम नहीं किया। कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। ठीक है, आओ मेरे साथ। सर आपने देखा उन्होंने क्या किया? देखिए उन्होंने हमारे आदमियों को मार डाला सर। सर अब बर्बाद हो, बेरहमी से मारा है सबको, पूरे मार्केट को शमशान बना दिया सर, किसी को नहीं छोड़ा। औरतें बच्चे, हमने आपके कहने पे दुकानें खोली थी और उन्होंने देखिए क्या तबाही मचा दी सर। देखिए सर अब हमारा क्या होगा। अब आए हो आप लोग, ये देखो मेरे पति को कितनी बेरहमी से मार डाला। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके कहने पर हम लोगों ने दुकानें खोली थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। बोलो, बताओ, जवाब दो, मैं अपने पति के बगैर कैसे जीऊंगी? शांत हो जाओ, हटो। देखिए सर, इन्होंने हमारे भरोसे पर दुकानें खोली थी, जनरल सिंह के गुंडों ने मौके का फायदा उठाकर कितनी बेरहमी से मारा है इन्हें। आओ आओ शिवा, शादी के बाद मेरा आशीर्वाद लेने आए हो क्या? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? रुको साले, तुझे इंसान की जान की कीमत पता है? हाँ, तुम्हारा नाम शिवा है तो क्या तुम खुद को इस शहर का भगवान समझने लगे? किसकी इजाजत से तुमने लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया? मुझे किससे पूछना चाहिए? मुझसे पूछना चाहिए था। तेरी औकात क्या है? तू कोई सरकार है क्या? मैं उन सबसे ऊपर हूँ। 40,000 रुपल्ली की सैलरी, 2 जोड़ी खाकी वर्दी और 1 जोड़ी काले जूते और 1 पुलिस क्वार्टर, 4 पुलिस थाने के 40 पुलिस वालों के मिलने से तुझे इतना घमंड?
इतना अकड़ने लगा है तू? जानता है मेरे कंट्रोल में 8 जिले, 92 एमएलए और सरकार मेरी मुट्ठी में है। मैं चलाता हूँ सरकार। घमंड तो मुझे करना चाहिए। ओए, मैं 20 न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या लगता है पॉलिटिक्स में घुसना इतना आसान है? हाई कमांड ने मेरी नाक पे दम कर रखा है कि बंद का क्या हुआ, कौन देगा इसका जवाब? क्या तुम्हारे पास है इसका जवाब? है? तुमने तो मेरे नाम को, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो मैं क्या करता? बदला लिया मैंने। धिक्कार है तुझ पर। अगर मुझसे बदला लेना था तो तू मुझ पर सीधा वार करता, मगर तूने उन बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिए, औरतों के सर फोड़ दिए, बच्चों को तक नहीं बख्शा तूने, पुलिस वालों को मार डाला, अब उनके परिवार को कौन देखेगा? पुलिस वालों को मरने के बाद भी सैलरी मिलती है और दुकानें खुलवा कर तुमने हमसे पंगा ले लिया, समझे? दंगा फसाद होगा तो मौतें भी होंगी। ए, उनकी मौत पर मुआवजा तो सरकार देती ही है ना? जब हम तुम्हें रिश्वत खिलाते हैं तो आगे पीछे दुम हिलाते हो, और जब नहीं देते तो भौंकते हो। मैं भौंकता नहीं हूँ साले, मैं काटता हूँ। तुझे तो मैं उसी दिन काट देता जिस दिन तू बिना इजाजत के मेरे घर आया था, लेकिन उस दिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी मंगेतर मेरे साथ थी। तो जैसा कमीना अपने झूठे अहंकार के लिए मारकाट और दंगे फसाद करवाता है, हजारों लोगों की जाने लेता है, लेकिन अब तेरी हैवानियत को खत्म करने की मैंने ठान ली है। मैंने तेरे 92 एमएलए, 16 एमपी, 4 मिनिस्टर, 40 कार, 30 जीप और तेरे किंग मेकर खिताब की धज्जियां ना उड़ा दी और तुझे भीख मांगने पर मजबूर ना किया भीखू। तो मेरा नाम शिवा नहीं। वो तो तब होगा जब तू यहाँ रहेगा। ये ले तेरा ट्रांसफर ऑर्डर, मेरी तरफ से तेरी शादी का तोहफा। 7 दिन के अंदर तुझे दूसरे शहर में जाना है। अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, जा। मैं चाहूं तो तुझे अभी के अभी ठोक सकता हूं, लेकिन तेरी किस्मत में 7 दिन जीना और लिखा, इसलिए तुझे बख्श रहा हूं मैं। सिर्फ 7 दिन। 7 दिन में मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में और तेरा ट्रांसफर ऊपर। शुक्र है आ गया। क्या हो बेटे, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं बाबूजी। जाओ बेटा, अंदर जाओ। मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, मेरा बुरा टाइम चल रहा है, इसलिए आप पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं। हे, कैसी बातें कर रही? मैं तो खुद परेशान था क्योंकि मैंने उस कमीने से रिश्वत ली थी, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी संवर गई भावना। विजय भाई। हाँ, बोलो। आ जाओ, इधर आ जाओ। मुझे इनके घर पूजा के लिए जाना है। अरे आ जाओ, थोड़ा पानी वानी पी के जाना। तुम्हारा पानी पी के मैं मर गया तो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ। आओ, आ जाओ, बैठो। मंगला, इनके लिए एक गिलास पानी लाना। मंगला कौन है, तुम्हारी बीवी है क्या? अभी तो घर पे काम करती है, लेकिन बीवी भी बन जाएगी। ये लीजिए। ये लोटा आम की तरह पिचक क्यों गया है? तुम अंदर जाओ। ये लड़का कौन है? मेरा बेटा है, उस दिनों में यूएस जाएगा पढ़ाई करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स? नहीं नहीं, उल्लास शहर। और ये लड़का कौन है, ये क्या? ये लड़का, ये मेरे बेटे के जूते पॉलिश करता है और यही करता रहेगा। और उसके बाद? उसके बाद मेरे जूते चमकाएगा जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता। उसके बाद क्या, मंगला आंटी को चमकाएगा? ये दोनों की उम्र एक ही तो है, तो तुम इसको क्यों नहीं पढ़ाते? अगर ये भी पढ़ेगा तो काम कौन करेगा? तू करेगा। दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने बचपन में जूते साफ किए थे और बड़ा होकर वो बहुत बड़ा गुंडा बना था। तू क्या चाहता है, ये भी वैसे गुंडा बने? ये पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, चाइल्ड लेबर के केस में अंदर जाएगा। मेरा बेटा पढ़ेगा और ये काम करेगा, यही दोनों की किस्मत में लिखा है। साला, तेरी किस्मत मैं लिखूंगा। साला बात करता है। बता बेटा, तू किसके जैसा बनना चाहता है? आलिया। आलिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनेगा और मेरा भटका यानी पंडित का नाम रोशन करेगा। आईएएन में जाकर पढ़ेगा, करण के साथ कॉफी पिएगा और मेरे नाक भी कटवाएगा। पक्की बात है। इस भैंसे के साथ रहकर इस बछड़े की भी बुद्धि मोटी हो गई है। उस मारकाट का जिम्मेदार कौन था? जनरल सिंह के 4 खास बंदे थे। वो जनरल सिंह की असली ताकत है, लेफ्ट राइट सब कुछ। काम सौंपने से पहले ही वो उसे अंजाम दे चुके होते हैं। ठीक है, तो जनरल सिंह को मारने के लिए सबसे पहले उसके दाएं और बाएं हाथ को उखाड़ना होगा। उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। उसके गैर कानूनी वाइन शॉप, ड्रग्स के अड्डे, वैश्यागर, लॉज, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म कर दो। प्रॉब्लम्स आएंगे पता है मुझे, मैं आपको अरेस्ट भी करूंगा और छोड़ भी दूंगा। उसके सारे गैर कानूनी बियर बार्स बंद कर दो, बिना परमिट की बसें, लॉरियां, सब कुछ जब्त कर लो। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं, अरेस्ट करो उन्हें। ओके सर, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जाओ अंदर जाओ और ठीक से चेक करो। जाओ। जाने दो, चेक कर लिया है, इसे जाने दो। रुको रुको, नीचे उतरो, चेकिंग होगी। जाओ, 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 जाओ,
सारी लॉरियां जब्त कर लो। ये क्या कर रहे हो? इन औरतों के फोटो क्यों खींच रहे? सर, कल के अखबार में इनकी फोटो छापनी इसलिए। अरे छोड़ो ये सब, क्यों इन सब मामलों को तूल देके न्यूज का मसाला बनाने की क्या जरूरत है? इनकी जिंदगी पहले ही नर्क से बुरी है, तुम और बदतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। जाइए जाइए आप लोग। साले शर्म नहीं आती? साहब, जो आज हमें अरेस्ट करने आते हैं वही कल हमारी इज्जत लूटने आते हैं, मगर आप उन सबसे अलग हो। आपको हमारी फिक्र है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे परम सर। अरे शिवा, ये सब क्या हो रहा है? तुमने ये कार्रवाई क्यों की? उन दुकानों के लाइसेंस नहीं थे, सभी गाड़ियां बिना परमिट की थी। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे तो साहब के सामने जाने में शर्म आ रही है। जो हालात इस समय उभरे हैं, अगर इस वक्त हम गए तो थूकेंगे हम पर। हमारी सारी गाड़ियां जब्त हो गई, दारू की दुकानों पर ताले पड़ गए। ये कल का लौंडा आकर हम पर कार्रवाई कर रहा है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि शिवा पूरी तरह फंस जाए और उसे जेल की हवा खानी पड़े। पहले यही लोग हमें मुफ्त में चाय पिलाते थे, तुम्हारे आने के बाद चाय के भी पैसे देने पड़ते हैं। आराम का खाना बंद किया तो पेट अंदर चला गया, फिट लग रहे हो अभी। ए, अपने आप को दबंग पुलिस वाला समझता है क्या? हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तू? हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है? निप्पल ले लिया क्या? बोलता क्यों नहीं है? कुत्तों से बात करना मेरी शान के खिलाफ है। क्या कुत्ता कहा तूने? एमएलए हूँ मैं, चुटकी बजाते ही तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा। ऐसी जगह जाएगा जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। देख मुझे गुस्सा मत दिला, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। लेकिन मेरे आदमी बहुत गुस्से में, एक इशारा करूंगा ना तो तेरा इधर ही खेल खत्म। इतनी लंबी लंबी मत छोड़ भाई, मेरी हट जाएगी। भाई किसको बोला रे? वो देख, हेड कांस्टेबल, उम्र में मुझसे बड़े हैं पर मुझे सर बोलते हैं। उसी तरह वक्त आने पर तुझ जैसे गधे को कभी भाई, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी कमीना, कभी हरामी, कभी बेईमान, कभी येड़ा, तो कभी दल्ला भी कहना पड़ता है। ए कमीने! क्या स्माइलिंग फोटो आया है? अरेस्ट हिम! वापस आते ही तेरी छुट्टी करूंगा। ऑन ड्यूटी पुलिस पर हाथ उठाने की धारा लगाओ। ए, मुझे अरेस्ट करेगा? इतनी हिम्मत? लेना बाहर आते ही सबसे पहले तेरा हिसाब करूंगा, कमीने। अब तो तू गया। मैं तो तुझे सरेआम नंगा करके पीटना चाहता था, मगर उन 66,500 वोटरों को मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। ले जाओ साले को। फोन लगा कमिश्नर को। मिस्टर शिवा सर, व्हाट इज दिस, व्हाट्स हैपनिंग? तुमने बीच सड़क पर एक एमएलए को अरेस्ट कर लिया? क्यों अरेस्ट किया तुमने? इन पर बलात्कार का आरोप है सर। क्या? मैंने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मेरे पास इस बात का सबूत है सर। क्या कहा? मैंने बलात्कार किया? सबूत कहाँ है इसका? इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है सर। अरे वाह, कोई भी औरत एफआईआर दर्ज कराएगी और उसे अरेस्ट कर लोगे? कौन है वो औरत? पराम। ठीक है, कार्रवाई करो। ओके सर। औरत अगर सुंदर हो तो उसे जबरदस्ती हासिल करेगा। तुझे तेरी औकात दिखा दी मैंने, ये है शिवा स्टाइल। धन्यवाद बॉस। सुंदरलाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो जेल में है। चोरी कौन करेगा? ठीक से ढूंढो ना। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है। मेरी माँ की नीली लाल साड़ी भी नहीं है। साड़ी का क्या करोगी? यही सूट कर रहा है। चलो सो, आजा। क्यों, क्या हुआ? अच्छा तो चोर घर का आदमी है।
मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बहुत गंदे क्या, क्या 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 तुमने मुझे गाली दी? मैंने गाली दी? हाँ। मैंने कहा गाली दी, मैंने तो सिर्फ आपको गंदा कहा, और ये थोड़ी गाली होती है। गंदा गाली नहीं होती, बल्कि गाली से भी गंदा होता है। क्या करें आप? चलो गंदी पप्पी दे दो। गंदी पप्पी? सुबह नहा के दी हुई पप्पी अच्छी पप्पी होती है, और बिना नहाए की हुई पप्पी गंदी पप्पी होती है। अरे क्या कर दिया ये? मैंने आपकी मूंछ का सफेद बाल निकाल दिया, एक गंदा बाल था। इसे मैं संभाल के रखूंगी। परम, लिबर्टी थिएटर में बम होने की खबर मिली है, चलो जल्दी। कंट्रोल रूम, बम छोड़ को लिबर्टी थिएटर भेजो जल्दी। सबको अलर्ट करो, पब्लिक को बाहर निकालो जल्दी, बम छोड़ अंदर जल्दी, एक एक कोना चेक करो, पब्लिक को बाहर निकालो, चलो जल्दी, पूरी जगह खाली करो, क्विक 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 निकालो सबको जल्दी, गेट बंद करो, कम ऑन, चलो 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 जल्दी। सर 11 बज गए हैं, आप कोर्ट जाइए वरना उस एमएलए को जमानत मिल जाएगी। वो कितना भी हाथ पैर मार ले उसकी जमानत नहीं होगी, हमारा केस मजबूत है, हम कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगेंगे। हेलो, हेलो, बम लिबर्टी थिएटर में नहीं है। क्या कहा? वो बम तो बस स्टैंड पर है, बचा सको तो बचा लो। कौन बोल रहा है? पैसेंजर्स को नीचे उतारो, सारी बसेस चेक करो। चलो 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 जल्दी। सारी बसें चेक करो। हेलो, जल्दी, कौन? बम कोर्ट के बाहर पब्लिक स्टैचू के ठीक नीचे है। ए, कौन है तू? चलो जल्दी। परम, सबको बस से बाहर निकालो। परम सुनो। जी सर। मुझे ये कॉल्स जाली लग रहे हैं, तुम रेलवे स्टेशन स्कूल कॉलेज में चेक करो। जी सर। मैं कोर्ट में जाके चेक। ओके सर। जल्दी चेक करो। बम की खबर सुनते ही हवा टाइट हो गई क्या? ये वो वाला बम नहीं है, झंडू बम है, जरा पीछे देखो। बहुत देर से भाग रहे हो, थक गए होगे, पैरों में जरा लगा लो, आराम मिल जाएगा। ऐसे घूर क्या रहे हो? एमएलए के केस से फौरन हट जाओ शिवा, वरना असली बम का विस्फोट होगा। ये काम जल्दी करो डीसीपी, नहीं तो झंडू बम जिलेटिन बम बनकर फूटेगा। यस सर। हेलो मिस्टर शिवा, आखिर ये कर क्या रहे हो तुम? सारा बम स्क्वाड, पूरी पुलिस फोर्स को शहर भर में घुमा रहे हो, कितनी परेशानी हो रही है पब्लिक को। सर फोन पे धमकी मिली। क्या कहा? ऐसे फर्जी कॉल पर भरोसा ही क्यों किया? पहले पता करना चाहिए था ना। सबको रोको और जल्दी ऑफिस में पहुंचो। सर वो फर्जी कॉल नहीं था, बम यहाँ पर मिला है। क्या कहा? बम एमएलए साहब की गाड़ी में था सर। एमएलए ठीक तो है ना? एमएलए साहब बिल्कुल ठीक है सर, पर अफसोस मैं उनकी कार को नहीं बचा पाया। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे भागो भागो यहाँ से भागो। तुझसे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, है ना? अरे क्यों टांग अड़ाई? बम ढूंढने के लिए आप लोगों ने जो मेहनत की, जिस जाबाजी और ईमानदारी से आपने ड्यूटी निभाई, वो काबिले तारीफ है। इसी तरह जनरल सिंह की हुकूमत को तबाह करने में आप लोग मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। सर इससे पहले उसे किसी ऑफिसर ने नहीं ललकारा था, आपके इस काम में हम डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे सर। आहा क्या बात है, इन्होंने मुझे इंटरकास्ट मैरिज करवाने के लिए बुलाया। चलो हवान दो बाजो। दुल्हन कहाँ है? और ये गधे के साथ दूसरा गधा क्या कर रहा है? यही तो दुल्हन है। गधी ही दुल्हन है बेटा, क्या हुआ?
लव मैरिज सुना था, अरेंज मैरिज सुना था, इंटरकास्ट मैरिज भी सुना था, और ये भी सुना था कि गधी पर दिल आ गया तो परी क्या चीज है, पर ये तो मुहावरा था, तूने दिल पे ले लिया। दो साल से बारिश नहीं हुई तो मुझे किसी ने कहा कि अगर मैं गधी या मेंढक से शादी कर लूं तो जल्द ही बारिश हो जाएगी। अच्छा तो बरसात गिरने के बाद तू इसे डिवोर्स दे देगा? अरे ये क्या बोल दिया ना कटहल। इंसान चांद पर पहुंच गया और तुम अंधविश्वास में जी रहे हो। शुभ मुहूर्त के लिए नारियल फोड़ते हो, बिल्ली ने रास्ता काटा तो रास्ता बदल लेते हो, बेजुबान जानवरों की बलि देकर खुश होते हो और उसका जश्न मनाते हो। एक दिन एलियन आकर हमारी बलि देगा तब क्या करोगे? ए बजा रे। अरे ये आपने कैसा मंत्र पढ़ा? दुल्हन ने तो दूल्हे के अखरोट फोड़ दिए। अखरोट फोड़ कर इसने इतना अच्छा काम किया, अब उसकी ड्राई फ्रूट वाली बर्फी बनाकर सब लोग प्रसाद के नाम पर खाना और बरसात आ जाएगी, है ना अंधविश्वास का बाप। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जो वजह उन्होंने बताई वो काफी नहीं है, आपने उन्हें जुलूस निकालने की परमिशन क्यों दी? जानते हो मुझ पर कितना दबाव है, वो मुझे मजबूर कर रहे हैं। उन लोगों का बाद में सोचेंगे, तुम फिलहाल उनकी सिक्योरिटी संभालो। सर क्या हुआ? उनका परमिशन मिल गई। सर प्लीज आप वहां मत जाइए। ऐसा क्यों कह रहे? वो लोग आपके खून के प्यासे हैं सर। ठीक 2 साल पहले ऐसा ही हुआ था, उन्होंने पुलिस थाने पर हमला किया था और 3-4 गुंडों ने मिलकर पुलिस वाले को खत्म कर दिया। हमारा जुलूस बस स्टैंड से शुरू होकर कॉर्पोरेशन ऑफिस तक पहुंचेगा, जहां पर तुम्हारी दुकान है समझे। उस दुकान से सोडा बोतल सप्लाई की जाएगी, वो उनके हथियार होंगे। वहां उस चौराहे पर एक गोदाम है, हमें हथियार वहीं पर मिलेंगे। जैसे ही उनको हथियार मिलेंगे वो हम पर हमला करेंगे। कलेक्टर शहर से बाहर गया हुआ है इसलिए फायरिंग ऑर्डर देने वाला कोई नहीं। फायरिंग ऑर्डर देने के लिए शहर में कलेक्टर नहीं है इसलिए फायरिंग नहीं होगी, पर मैं देख लूंगा। जैसे ही हम पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे भगदड़ मचेगी और उस गड़बड़ और कंफ्यूजन में शो और उसके पुलिस स्टेशन का खात्मा करेंगे। जितनी भी जरूरी फाइल्स हैं वो यहाँ पुलिस स्टेशन में ही रहेंगी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? तुम नहीं समझोगे। एक और जरूरी बात, कोई भी प्रेस वाला फोटो ना ले पाए, और अगर ले भी ले तो उसे सिर्फ धुएं की फोटो मिले। ओके मुश्किल तब होगी जब वो कॉर्पोरेशन ऑफिस पहुंच जाएंगे, वो वहां नहीं पहुंचने चाहिए। नहीं डरेंगे, लड़ेंगे हम। हमें हमारा अधिकार दो, पुलिस का अत्याचार बंद करो। हमें हमारा अधिकार दो, पुलिस का अत्याचार बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। हार नहीं मानेंगे हम, नहीं डरेंगे, लड़ेंगे हम। हार नहीं मानेंगे हम, नहीं डरेंगे, लड़ेंगे। डीसीपी साहब ने ठान ली है, अब वो पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस का अत्याचार बंद करो। वो हमारे डीसीपी को जानते नहीं। सर हम यहाँ से हथियार लेके कॉर्पोरेशन ऑफिस पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचते ही हम इन पर हमला बोल देंगे। ठीक है, हमें वैसे ही करना है जैसे सर ने कहा है। हेलो, थोड़ी देर में जुलूस कॉर्पोरेशन ऑफिस पहुँचेगा। हम तैयार हैं सर। जैसा बताया वैसे ही कर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम नजदीक आ गए। ठीक है सर, एम्बुलेंस तैयार रखना। ओके सर। हमें हमारा अधिकार दो, पुलिस का अत्याचार बंद करो। हमें हमारा अधिकार दो, पुलिस का अत्याचार बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। एम्बुलेंस आ गई सर। नहीं डरेंगे, लड़ेंगे हम। हार नहीं मानेंगे हम, नहीं डरेंगे, लड़ेंगे हम। हमें हमारा अधिकार दो, पुलिस का अत्याचार बंद करो। अरे ये पत्थर कौन फेंक रहा है? रोको, ये पत्थर कौन फेंक रहा है? लाठी चार्ज करो। ये गलत है। रुको, क्या हो रहा है? रुक जाओ। चलो। टियर गैस। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो? ये गलत है। रुको। किसको हाथ लगा रहे हो? मैं एमएलए हूँ।
बिना ऑर्डर के मैं फायरिंग कैसे कर सकता हूँ सर? ये मेरी पिस्टल और ये 6 बुलेट्स, मैंने फायरिंग नहीं। तो फिर फायर किसने किया? किसी अनजान बदमाश ने की होगी, इतनी भीड़ में मैं कैसे देख सकता हूँ सर? मैंने आपसे कहा था कि परमिशन मत दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, अब मुझ पर सारा इल्जाम लगा रहे हैं। ऑल राइट, पर अब जल्दी से जल्दी उस एमएलए को छोड़ दो। जब तक उन 3 लोगों का कातिल नहीं मिलता, मैं एमएलए को नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे खुद के रिकॉर्ड क्लियर हैं। तुम्हें जनरल सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं है। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। नमस्ते साहब। काहे का नमस्ते? मार डालो मुझे, मार डालो। उसने बेकसूर लोगों को मार डाला, अब तुम जनरल सिंह को मार डालो। ये जनरल सिंह किस चिड़िया का नाम है भाई? तूने मेरे आदमियों को मार डाला और कह दिया कि वो दंगे फसाद में मारे गए। जनरल सिंह, इसे कहते हैं नहले पे दहला। कोई गवाह है तेरे पास? अच्छा, तो मैंने जो 4 राज्यों में किया वो अब तू मेरे साथ करेगा? अगर जरूरत ना हो तो मैं सरकारी पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं करता। चाकू से तो कोई भी काट सकता है, पिस्तौल तो कोई भी चला सकता है। 2 दिन इंतजार कर ले। किससे बात कर रहा है पता है? शुक्र मना कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, वरना मेरा जूता भी तुम जैसे लोगों से बात करने के लिए मना कर दे। फुटले बाहर जो लोग नारे लगा रहे हैं, मेरे इशारे पर इस पुलिस स्टेशन को जलाकर खाक कर देंगे। तो फिर पुलिस की गोलियों को चलने से तू क्या तेरा बाप भी नहीं रोक पाए? मैं अपने बॉस के लिए खुद को जला दूंगा, मैं यहीं पे जल के अपनी जान दे दूंगा। पुलिस की दादागिरी। रुक जा, अभी तेरी तमन्ना पूरी करता हूँ। अपने बॉस के लिए जलेगा, ये ले, ले कुर्बानी साले, ये ले, ना भाग रहा है। 880 वोल्ट का झटका हो, छुएगा तो खाक हो जाएगा। बॉस, उसने हमारी बड़ी बेइज्जती की, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। देखो, जो हो गया सो हो गया। हाँ। अब हमारे आदमियों को इकट्ठा करो और इसे खत्म कर दो। दंगे फसाद तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इन हत्यारों ने तो हद ही कर दी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। मुझे भी ये सोचकर घबराहट हो रही है कि आगे क्या होगा। इतने सारे पुलिस वाले हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है, वो हमारी रक्षा करेंगे। सबने अपनी राय दे दी है, अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा सुखी रहो, पर यहाँ के हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तुम तो ट्रांसफर ले सकते हो ना, किसी दूसरे शहर में चले जाओ बेटा। मेरी बात समझे? आप सब जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा, इन्हें और टेंशन मत दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भावना, तुमने मेरी तसल्ली के लिए इन्हें भेजा या तुम्हें वाकई मुझ पर भरोसा है? अगर मुझे कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा तुम पर असर पड़ेगा। अगर तुम्हें 1% भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम आज ही चले जाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जरूर कामयाब होंगे। समधी जी, हम लोगों ने कितना समझाया मगर दामाद जी नहीं माने। एक बार आप कोशिश कीजिए ना। समधन जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे बात कर लूंगा। भावना, तुम्हें डर लग रहा है, तो फिर रो क्यों रही हो? आंखों में धुआं चला गया था। बेटे तुम कहाँ हो? मैं मंदिर में हूँ। सुना तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, कोई परेशानी है क्या बेटे? कहो तो मैं आ जाऊँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। ठीक है बेटे। अपनी चप्पल छोड़ो और मंदिर के अंदर जाओ। पर क्यों? जैसा कह रहा हूं वैसा करो, मंदिर में जाओ। Huh?
क्यों बे? सोच रहे हो कि मैंने गोली क्यों नहीं चलाई? सोचने के लिए दिमाग तो है ही नहीं। हम्म, मंदिर का मामला था, गोली नहीं चला सकता था। अगर मंदिर में फायरिंग करता तो भक्त लोग घबरा जाते, उन्हें परेशानी होती। तुम्हारी मैयत निकलने वाली है ना, तो मातम का ढोल बजा रहा हूं, समझे? आखिर वहां क्यों जा रहे हैं? शिवा ने मना किया है। हाँ, मगर मेरा मन नहीं मान रहा है। जाकर देखाता हूँ आखिर क्या हो रहा है वहाँ। भावना, तुम गांव चली जाओ। पर क्यों? सिर्फ 24 घंटे की बात है और मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। कल शाम तक मैं भी पहुँच जाऊंगा। कौन कौन जा रहा है? सिर्फ मैं जा रही हूँ। संभल के जाना बेटा। ठीक है माँ। बताओ क्या हुआ? सर, जनरल सिंह ने शिवकाशी फैक्ट्री के मालिक आतिश खान से बात की। क्या बात हुई, बता सकते हो? कुछ शोर करने के बारे में बोल रहा था। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पर मुझे लगता है ये शोर किसी चीज का कोड वर्ड है। जब पटाखे फूटेंगे तो शोर तो होगा। कहीं ये शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने की बात तो नहीं कर रहे? चलो देखते हैं। मुझे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। अगर वारंट नहीं होगा तो मैं जीप ही नहीं बैठूंगा। जीप लाया ही कौन है? 4 कत्ल हुए, उसके बाद दंगा फसाद हुआ, इन सब में तुम्हारा हाथ है। चाहूं तो तुम्हें 12 साल की कैद करवा सकता हूं, और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी खत्म भी कर सकता हूं। डरो मत, चाहता तो तुम्हें उसी दिन ठोक डालता, उस दिन तुझे भी मौत के घाट उतार देता जिस दिन तेरे उन 3 साथियों को मैंने उड़ाया था। मगर मुझे तेरी बीवी और बच्चों का ख्याल आया, इसीलिए तुझे बख्श दिया। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करता जा। ओके सर। आज जनरल सिंह ने आतिश खान से शोर करने को कहा, इसका क्या मतलब है बताओ मुझे? आपके घर में बम लगाया जाए। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? डीसीपी साहब के घर में जो बम लगने वाला है वो रात 10:30 फटेगा, और बम लगाने वाला सागर होटल में रुका हुआ है। सर, हमें फौरन घर। नहीं, बम फट जाने दो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? जनरल सिंह को अरेस्ट करने का बस यही एक मौका। सर, वो हमारी मुट्ठी में है। एक बार आतिश खान को पकड़ लिया तो हम उसे भी पकड़ सकते हैं। केस कमजोर हो जाएगा, वो अपने सोर्सेज लगाकर बाहर निकल जाएगा। बम फट जाने दो, फिर हम उसे आतंकवादी साबित कर सकते हैं। और भाभी? वो गांव चली गई है। परम, बम 10:30 फटेगा, 10:35 को हम आतिश खान को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर मैं कमिश्नर से बात कर लूंगा। वो किस लिए सर? बम जनरल सिंह ने लगाया, ये डिपार्टमेंट को पता चलना चाहिए, लेकिन कहां ये नहीं। कोई मेरे बेटे को परेशान नहीं कर सकता। अगर बहू यहाँ रहेगी तो शिवा का सारा ध्यान उसकी सुरक्षा की तरफ ही लगा रहेगा। आप सब लोग हमारे गांव चले जाइए, मेरा आपसे वादा है सब कुछ ठीक हो जाने पर बहू को मैं खुद लेके आऊंगा। आतिश खान, तुम्हें शहर में पहुंचकर शोर करना है, फौरन पहुंचो। तुमने जनरल सिंह को हाथ भी लगाया तो सीएम मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरा खून पी जाएगा, पता भी है तुम्हें? हमने कुछ नहीं किया और बम फट गया तभी सीएम हम पर प्रेशर डालेंगे, ये बात हमें नहीं भूलनी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने उसके जुलूस में जो किया ना, ये सब उसी का नतीजा है। गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय अब क्या करना है ये बताइए। सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो, सबको फोन करो। ये लीजिए चाबी, मैं आपके लिए खाना भेज देती हूँ। अरे नहीं बेटी, मैं शिवा के आने के बाद ही खाऊंगा। ठीक है। हाँ,
हेलो, मैं शिवा का पिता बोल रहा हूँ। वो कमिश्नर के साथ मीटिंग में है, कुछ बताना है उन्हें। कमिश्नर के साथ उनकी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, शिवा सर का फोन भी मेरे पास है। अच्छा, उनसे कहना कि मैं गांव से यहाँ गया हूँ। सर, आपके पिताजी का फोन आया था। अच्छा, कहाँ से फोन किया उन्होंने? आपके क्वार्टर से ही था। यहाँ वाले घर से? वो बोल रहे थे सर कि घर पहुंच गए। ओह नो। देखो, मेरे बेटे के ससुराल वाले वहाँ गांव में आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी ठीक से करना। हाँ, हो जाएगी। उनके खाने पीने का ठीक से ख्याल रखना, खास करके मेरी बहू का। कोई जनरल सिंह है, उसने मेरे बेटे को परेशान कर रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी जान ले लूंगा, मगर अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबूजी, फौरन घर से बाहर निकल जाइए। मगर क्यों? घर में बम है, जल्दी निकालिए। बाबूजी मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। ये लो अरेस्ट वारंट, कैरी ऑन। ऑल द बेस्ट। मैंने पहले ही कहा था आपसे, अब दो दिन शांत रहिए। उसके घर में आपने बॉम्ब क्यों लगाया? अब वो घायल शेर की तरह दहाड़ रहा है। बता, आपके खिलाफ उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और आपका अरेस्ट वारंट लेकर घूम रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो एक ही रास्ता है, किसी बिल में छुप कर बैठ जाइए, वरना घसीट के ले जाएगा। ए! क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो मुझे घसीट कर ले जाएगा? अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे आदमी इस शहर को आग लगा देंगे। जनरल सिंह की लाइफ के चैप्टर में अरेस्ट चैप्टर होना ही नहीं चाहिए। ओके ओके, मैं एक बार और बात करूंगा उससे। हाँ, और सुनो, तुम उसकी पूरी फैमिली को, उसके चाचा मामा ताऊ सबको मार डालो। कैसे बॉस? उन सबको तो उसने कहीं बाहर भेज दिया। सब काम हो गया? हाँ जी, अब जाओ। सर, कमिश्नर साहब का फोन है। मिस्टर शिवा, एक अर्जेंट और सीक्रेट मीटिंग है, तुम फौरन यहाँ चले आओ। 8 जिलों के कलेक्टर, एमएलए और मंत्री लोग सब आ रहे हैं, तुम फौरन चले आओ यहाँ पर। ऊपर से ऑर्डर है। हेलो, मैं डीसीपी शिवा की पत्नी बोल रही हूँ। घर का फोन नहीं लग रहा, उनका मोबाइल ऑफ है। सर, उनसे बात करवा दीजिए। सर, हॉस्पिटल गए हैं। अस्पताल क्यों? आपको मालूम नहीं, उनके घर में बॉम्ब विस्फोट हुआ है। क्या कह रहे आप? अरे, उनको क्यों बता रहे हो? हेलो हेलो, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। ये क्या किया तुमने? आधी रात हो रही बेटा, तुम इस वक्त भला कैसे जाओगी? नहीं मामा, अगर मैं आखिरी बस पकड़ लूं तो सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगी। आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। देखो मिस्टर शिवा, तुम जनरल सिंह को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो पॉलिटिकल लेवल पर हंगामा होगा। सॉरी सर, मुझे उन सब की परवाह नहीं है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे भाई, तुम तो यहां से चले जाओगे, हमारे लिए क्यों मुसीबत खड़ी कर रहे हो? सर, 10 साल पहले आप सब्जियां बेचते थे, मगर आज आप मिनिस्टर हैं। आपके 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बेहतर होगा आप चुप रहें। तो मैं इनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? वारंट इशू होने के बाद भी आप मुझे उसे अरेस्ट करने से मना क्यों कर रहे हैं? अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहे हो। हम भी ये जानते हैं कि आज तक तुमने कितनी रिश्वत खाई है। बताओ, क्या ये झूठ है? नहीं, हमारे पास पूरी कुंडली है, इसमें लिखा है कि तुमने कब और कितने पैसे खाए हैं। ये कुंडली सही नहीं है, इसमें उन पैसों का हिसाब है जो उन्होंने मुझे दिए, लेकिन उन पैसों को कहां और कैसे खर्च किया उसका कोई जिक्र नहीं। अब जरा इस फाइल को देखिए। उन्हीं दिनों मैंने वो पैसा गुजरात भूकंप राहत कोष, ओडिशा में सूखा और बाढ़ पीड़ितों की सहायता कोष और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसी के नाम से जमा करवा दिया था। ये सही कुंडली है। जनरल सिंह कोई दरिंदा नहीं है जिसके सामने खड़े होकर लड़ा जाए। घटोत्कच है वो, उसके जंगाओं को पकड़कर चीर कर दो भाग करने पड़ते हैं, तब वो मरेगा।
यही सच्चाई है। तो फिर तुमने जो कत्ल के 30 लाख और एक्सीडेंट के 40 लाख लिए थे वो कौन से बिल में ठूंस कर रख दिए? धर्म कार्य के। अगर कोई एक्सीडेंट करता है तो उसे जेल होती है, जुर्माना होता है और वो छूट जाता है। पीड़ित के परिवार का क्या होगा ये कोई नहीं सोचता। इसलिए मैंने 40 लाख रुपए उस पीड़ित को दे दिए। मुझे हमेशा उनकी फिक्र होती है जो शिकार बनते हैं। पब्लिक का अगर एक भी रुपया मैंने खाया होगा तो मैं आप सबके सामने अपने आप को गोली से उड़ा दूंगा। अगर मैं भ्रष्टाचारी होता तो 2 वर्दी और 1 जोड़ी जूते के साथ गुजारा नहीं करता। इसी वर्दी के लिए मेरे बाबूजी ने 25 लाख की रिश्वत दी थी जिसका सूद मैं आज तक भर रहा हूँ। क्या ये कोई जानता है? वो सब छोड़ो, तुम पुलिस स्टेशन चला रहे हो या अपना कोई अलग दरबार लगाया हुआ है, समझते क्या हो? तुम्हारे मूड और मर्जी से ये कानून नहीं चलने वाला है। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? गुजरात में दारूबंदी है और उसके बगल वाले राजस्थान में दारूबंदी नहीं है। एक स्टेट का कानून दूसरे स्टेट में गलत माना जाता है। कुछ स्टेट्स में रेड लाइट एरिया में जाना गैर कानूनी नहीं है और यहाँ जुर्म माना जाता है। हर जाति हर स्टेट के लिए अलग कानून। दिमाग खराब हो गया। मैंने अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। उनके कातिल को अरेस्ट करने से रोकना ये कौन सा कानून है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि मैं उसे अरेस्ट करना चाहता हूँ। तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हें उसे अरेस्ट नहीं करने दूंगा। मुझे धमकी दे रहे हैं। मेरे पिता की 5 औलादे मरने के बाद मैं पैदा हुआ था शष्ट शिवा। मैं उसे अरेस्ट करके ही रहूंगा। उसे अरेस्ट करोगे तो खुद भी मारे जाओगे। मैं आग, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। जो उखाड़ना है उखाड़ लो मेरा। तुम्हारे दिए हुए एक एक पैसे का हिसाब उसने हमारे सामने रखा है। हम कुछ नहीं कर सकते। अब अपनी जान खुद ही बचा लो, हो सके तो कहीं छुप जाओ। दोबारा फोन मत करना। संभाल के। सर यहाँ पर जनरल सिंह की गाड़ी आ रही है। ठीक है, बताइए हमारे लिए क्या ऑर्डर है। अरेस्ट मत करना। पर सर, उसे आगे मत जाने दो। ओके सर। हे, गाड़ी बोलो, चलो जल्दी। गुड मॉर्निंग। ओके ठीक है। सर आपके पास उसका अरेस्ट वारंट है तो आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? हाँ हाँ बताइए सर, आप क्यों नहीं करते? इंतजार किसका है? पूरे शहर में अफरा तफरी मची है और हमें शाम के एडिशन में इस खबर को छापना है सर। आप ये खबर छापिए कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसका मतलब आप पकड़ नहीं पाए? नहीं। सर हाँ, पोस्टमार्टम हो चुका है, अब हम बॉडी ले चलें। जनरल सिंह को अरेस्ट करने के बाद ही बाबूजी को ले जाएंगे, तब तक उन्हें यही रहने दो। ये सरकारी पिस्तौल है, जरूरत पड़ने पर तुम गोली चला देना, बाकी मैं संभाल लूं। और आप? मेरे पास दूसरी गन है, परम तुम सर यही रुक जाओ। सर जनरल सिंह ने गाड़ी बदल दी है। मैं देख लेता हूं। सर मात्रे बोल रहा हूं, एमजी रोड से। हाँ बोलो। अभी जनरल सिंह गाड़ी बदलकर हाईवे की तरफ गया है। सर आगे डीसीपी आपका वेट कर रहे हैं, उनके पास फायरिंग के ऑर्डर है, आप लौट जाइए। गाड़ी बोलो, चलो चलो पीछे चलो। क्या खबर है? सर उसे दूसरी दिशा में भेज दिया है। हम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। मैं अपने रेत की खदान है ना, वहाँ जा रहा हूँ। तुम लोग भी कहीं छुप जाओ। ठीक है बस। सर वो अभी अभी रेत की खदान की तरफ गया है। ठीक है मैं पहुँचता हूँ। Oof.
तुमने मुझे अरेस्ट किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, पूरा शहर आग में जल जाएगा। मुझे एक भी खरोच आई ना तो उन लोगों को सीएम के कॉल आ जाएंगे, वो मुझे फौरन छुड़वा लेंगे, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। उसके बाद तुम इस शहर में ही नहीं, इस दुनिया में किसी भी कोने में छुपोगे, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा और खत्म करके दम लूंगा। मुझे जब तक तुम अरेस्ट नहीं करते तभी तक तुम जिंदा हो, समझे? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं तो आओ अरेस्ट करो मुझे। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं तुझे अरेस्ट कर सकूं? ये शहर जल जाएगा, सीएम का फोन आ जाएगा, मासूम जनता को तकलीफ होगी, तू मेरी फैमिली को खत्म कर देगा। तू कहता है ना कि तू रोज 20-30 अखबार पढ़ता है, आज का अखबार पढ़ा कि नहीं? आज की ताजा खबर, जनरल सिंह फरार, पुलिस को उसकी तलाश। मुझे फरार होने की क्या जरूरत है, किसी से नहीं डरता मैं। अगर तूने माँ का दूध पिया तो आ मुझे अरेस्ट करके दिखा। अगर तुझे अरेस्ट करूंगा तो उन सबको तकलीफ होगी जो जिंदा है, अगर तू मर गया तो तेरा पुतला बनेगा, तेरा नाम शहीदों में लिखा जाएगा, फिर तुझ जैसे और 10 दरिंदे सर उठाने की हिम्मत करेंगे। अभी तू भगोड़े के नाम से जाना जा रहा है, पुलिस तलाश कर रही है, मगर वो तलाश कभी खत्म नहीं होगी। तुझे भगोड़ा घोषित किया जाएगा पुलिस रिकॉर्ड्स में। देखो तुम वही करो जो कानून में सही है। तू अच्छाई का नाश करना जानता है, लेकिन मैं करता हूं पाप का नाश।
यानी तेरा विनाश। शिवा की तलाश बदस्तूर जारी है।